सो लास्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों ने देख लिया था कि जो लू फैंग था वो ऑलरेडी वो जो डोंग डोंग रिवर का इनहेरिटेंस था उसे पा चुका था। वही इसी के बाद हम लोग को स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस दिखाया जाता है जहाँ पे इस वक्त लू फैंग था। लू फैंग के जीतने के बाद यहाँ पे जितने भी बाकी कैंडिडेट्स थे वो सब लोग नॉर्मली मर जाते हैं, और उन सब लोगों के मरने के बाद फाइनली हम लोग को डोंग रिवर का एक नया लुक देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर वो व्हाइट कलर का आर्मर पहन के और गोल्डन स्टार्स के ऊपर आराम से उड़ते हुए लू फैंग के करीब आता है। फैंग डोंग डोंग रिवर को मास्टर डोंग डोंग रिवर कहते हुए उनको वो करता है, तभी वो उन्हें कहता है कि मुझे मास्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे टीचर कह सकते हो करके। अगर देखा जाए तो मैं लास्ट जनरेशन का डोंग डोंग रिवर हूँ और तुम करंट जनरेशन के। इसी के बाद जो लू फैंग होता है जब वो उस 820 बेसिक इनहेरिटेंस की तरफ देखता है, मतलब उन गुफाओं की तरफ देखता है, तो डोंग डोंग रिवर उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारी जो इनहेरिटेंस है ये सारे बेसिक इनहेरिटेंस है, तुम जब चाहे उनको स्टडी कर सकते हो करके। जो मेन चीज़ है वो तो कोर इनहेरिटेंस के अंदर आती है। लू फैंग का एकदम से जो इंटरेस्ट होता है वो एकदम से जाग उठता है, उस उठते कोर इनहेरिटेंस में क्या होगा। तभी डोंग डोंग रिवर उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है कि मुझे फॉलो करो। इसी के बाद जो डोंग डोंग रिवर होता है और लू फैंग होता है वो टेलीपोर्ट करते हुए एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। वही डोंग डोंग रिवर लू फैंग को कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर हर एक डोंग डोंग रिवर अपने इनहेरिटेंस को ग्रैब करता है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस वैल्यूएबल है, इवन ये किसी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर से भी कहीं गुना ज़्यादा स्पेशियस है। इसी के बाद ये जो डोंग डोंग रिवर होता है वो लू फैंग को एक ऐसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे हम लोगों को एक स्कल्पचर देखने के लिए मिल सकता था। ये जू यी सेंट का स्कल्पचर था। ये कुल मिला के ये जो पर्सन था ये थर्ड डोंग डोंग रिवर था। डोंग डोंग रिवर कहता है कि तुम मुझे देख रहे हो, मैं 192 इनहेरिटेंट हूँ और मेरा नाम डोंग डोंग रिवर जेन जू है। लू फैंग थोड़ा सा अजीब सा और थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका था कि इसका मतलब ये जो पर्सन है इसका पूरा नाम डोंग डोंग रिवर वो होगा करके। तभी डोंग डोंग रिवर लू फैंग की तरफ और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भी जो फ्यूचर नाम होगा वो डोंग डोंग रिवर लू फैंग होगा। वही डोंग डोंग रिवर लू फैंग को बताता है कि यहाँ पे जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है वो टोटली एक जोक है इसके होमलैंड के अंदर, क्योंकि जो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है उन्हें बस ट्रू गॉड्स कहा जाता है इनके होम टाउन के अंदर। ऑफकोर्स उनसे ज़्यादा वीक के अंदर अनडाइंग फाइटर, यूनिवर्स नाइट और ये काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन अगर पैनिकल रैंक की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। इवन टॉटी जो डोंग डोंग रिवर था ये खुद भी कभी उस पैनिकल लेवल तक नहीं पहुंच पाया था। लू फैंग बस शांति से सुनते जा रहा था क्या ये बंदा कह रहा है। वही ये बताते हैं कि उनके वो जो थर्ड एंसेस्टर टीचर थे वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे और वो पैनिकल बींग्स के अंदर में से एक आते थे। वही इतना सब सुनने के बाद जो लू फैंग होता है वो इन थर्ड एंसेस्टर के ये जो स्कल्पचर होता है इस स्कल्पचर को वो करता है अपने सर को ज़मीन के ऊपर लगाने के। जैसे ही जो लू फैंग होता है उस स्कल्पचर के सामने वो करता है, वैसे ही जो स्कल्पचर होती है इसके आँखों के अंदर से एक स्ट्रेंज लाइट निकलती है। ये जो ब्लैक कलर की लाइट थी वो डायरेक्टली लू फैंग के हेड के ऊपर हिट करती है। लू फैंग की विल पावर इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी, आई मीन टू से इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसके बाद भी ये जो ब्लैक लाइट थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि इसको इसे रजिस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। फाइनली लू फैंग की जो बोज होती है मतलब आईब्रोज के बीचों बीच एक अजीब सा स्ट्रेंज सा सिंबल आ जाता है, और इसी के बाद जो डोंग डोंग रिवर होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है और कहता है कि आज से तुम डोंग डोंग रिवर लू फैंग कहलाए जाओगे। इस जो इम्प्रिंट है इसी इम्प्रिंट की वजह से जो लू फैंग है वो यहाँ पे जितने भी इनहेरिटेंस उसे मिलेंगे वो इन सारे इनहेरिटेंस को यूज़ कर सकता है अपने लिए। ये जो बेसिकली ये जो इम्प्रिंट है ये एक तरीके का एक टोकन है जिसके मदद से लू फैंग एक डोंग डोंग रिवर वाली आइडेंटिटी अपने साथ कैरी कर सकता है, और इसके अलावा यहाँ पे जितने भी इनहेरिटेंस उसके लिए छोड़े गए उन सारे इनहेरिटेंस को वो यूज़ कर सकता है। वही वो लू फैंग को कहता है कि मैं ऑलरेडी काफ़ी हज़ारों सालों पहले मारा जा चुका हूँ जिसकी मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, और ये जो इनहेरिटेंस है स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस इसके जितने भी फंक्शंस है वो सारे मेरे द्वारा कैरी ऑन किए जा रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ, ये सारी जो जगह है ये मेरे कंट्रोल के अंदर है, और इसके अंदर जितने भी ट्रेजर्स वगैरह है या फिर जो कुछ भी ये जो इनहेरिटेंस है ये सब थर्ड एंसेस्टर के द्वारा सेटअप किया गया है, और फाइनली अभी तुम इसके वारिस बनने वाले हो करके। लेकिन अभी भी कुल मिला के जो ये जो मेरी वर्चुअल कॉन्शियसनेस है इसने कहीं ना कहीं इस स्पेस को कंट्रोल करके रखा है, जिसके वजह से तुम अभी ये जो स्पेस है इसको अपने मास्टर रिकॉग्नाइज नहीं करा सकते, लेकिन जिस टाइम पर मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ से चली जाएगी उस टाइम पर तुम आराम से ये चीज़ कर पाओगे, लेकिन उन सब चीज़ों से करने से पहले तुम्हें एक चीज़ करनी पड़ेगी। तभी लू फैंग उनकी तरफ देखता है और कहता है टीचर आप मुझे जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। डोंग डोंग रिवर लू फैंग से कहता है कि मेरे बात रिपीट करो, तुम्हें एक शपथ लेनी पड़ेगी। वही लू फैंग शांति से सुनता है, और इसी के बाद लू फैंग जो होता है वो एक शपथ लेता है। वो कहता है कि वो ऐसी शपथ ले रहा है कि वो आज से न्यूली अपॉइंटेड डोंग डोंग रिवर है,
और ये सारे जो उसके बोस के ऊपर इम्प्रिंट है ये उसके इनहेरिटेंस का विटनेस है। और इसके अलावा जो लू फैंग है वो कभी भी अपने जो कोर इनहेरिटेंस है जो कि पल्स डोंगडोंग रिवर का कोर इनहेरिटेंस है उसे कभी भी किसी भी आउटसाइडर के हाथों के अंदर नहीं गिरने देगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये जो ओथ है उसकी वो टूटी हुई मानी जाएगी। और इसी टाइम लू फैंग की जो शेल है मतलब जो सोल है वो पूरी तरीके से इनहेलिटेड हो जाएगी। मतलब अगर लू फैंग डोंग डोंग रिवर के साथ गद्दारी करता है और इसके अंदर का जो इनहेरिटेंस होता है वो किसी आउटसाइडर को देता है तो डेफिनेटली जो लू फैंग की सोल है वो जगह पे ही क्रैम्बल कर जाएगी क्योंकि लू फैंग ने ओथ ली थी। इसी के साथ डोंग डोंग रिवर लू फैंग को ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक यूनिवर्स नाइट हो करके, और अगर तुम मर भी जाते हो तो तुम वापस से रिकरेट हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि ये जो इम्प्रिंट है ये तुम्हारे सर के ऊपर लगा हुआ है तो तुम अगर मर भी जाओगे और वापस से तुम पैदा भी होते हो तो ये इम्प्रिंट तुम्हारे सर के ऊपर ही लगा रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने कसम को तोड़ते हो तो याद रखना, अगर तुम मर के जिंदा भी हो जाते हो उसके बाद भी जो तुम्हारी सोल है वो बार बार मरती रहेगी मरती रहेगी। मतलब कुल मिला के जो लू फैंग है वो कभी ज़िंदा ही नहीं रह सकता, क्योंकि अगर उसने गलती से भी अपनी कसम तोड़े तो उसकी एंडलेस टाइम के लिए उसकी जो सोल है वो बार बार क्रैम्बल करती रहेगी मरती रहेगी और लू फैंग वापस से दोबारा पैदा होते रहेगा अगर उसे कोई करेगा तो। मतलब कुल मिला के इतना समझ लो, अगर एक बार लू फैंग ने अपनी कसम तोड़ी तो लू फैंग भी टूट फूट जाएगा और वो ज़िंदगी में कभी उठने के लायक नहीं बच जाएगा। इसी के बाद ये जो पर्सन होता है ये लू फैंग को एक पॉन्ड के करीब लेके जाता है। उस पॉन्ड के अंदर वो लू फैंग को बोलता है क्या तुम्हें वहाँ पे नज़र आ रहा है। वही लू फैंग पॉन्ड के अंदर देखता है तो उसे कुल मिला के 3 स्टोन देखने के लिए मिलते हैं। डोंग डोंग रिवर उसे कहता है कि जो 3 स्टोन है इसे एक्चुअली मेमोरी स्टोन कहा जाता है, और मैं अगर तुम्हें बताऊँ तो ये डोंग डोंग रिवर का सबसे ज़्यादा कोर का हिस्सा है। इट मीन टू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये जो 3 स्टोन्स है इन्हें मेमोरी स्टोन कहा जाता है या फिर इनहेरिटेंस स्टोन भी कहा जाता है। कुल मिला के इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी है ना मेमोरी स्टोर होती है, काफ़ी सारे सुपर ग्रेट बींग्स के लाइफ टाइम एक्सपीरियंसिस के अंदर पूरी तरीके से कैद होते हैं। इसी के बाद वो लू फैंग को कहता है क्या तुम उस पानी के अंदर देख सकते हो। जब लू फैंग पानी के अंदर देखता और फिर वापस से बाहर देखता है तो लू फैंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जब लू फैंग वापस से ऊपर की साइड देखता है तो उसे सामने अपने ओशन के साइड कुल मिला के 3 ब्लैक स्टोन देखने के लिए मिल सकते थे। वो कहता है कि इन्हें कोर्ट स्टोन कहा जाता है करके, एक तरीके से ये रूट है, ये सारे जो जितने भी मेमोरी स्टोन है उन सब के, ये जो ऊपर वाले 3 स्टोन है ये उन सब के रूट है करके, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कोर इनहेरिटेंस मॉडल है। सारे जो स्टोन है इनके अंदर अलग अलग तरीके की डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेमोरीज है, जैसे कि स्टडीज से रिलेटेड या फिर क्लोज कॉम्पैक्ट या फिर फार मिड रेंज अटैक रिफाइनिंग ट्रेजर ऑटोमॉन्स और काफ़ी कुछ। भाई डोंग डोंग रिवर कहता है कि कुल मिला के यहाँ पे 12,002 मेमोरी स्टोन्स है जो कि छोटे मोटे साइज़ के अंदर है, लेकिन ये जो 3 स्टोन्स है ये सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। इवन थॉट इन 3 स्टोन्स के लिए बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकता है। इवन थॉट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस के बीच में जो कि सुप्रीम मास्टर के काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। डोंग डोंग रिवर लू फैंग से कहता है कि क्योंकि ऑलरेडी तुम डोंग डोंग रिवर लू फैंग बन चुके हो और तुम्हारे सर के ऊपर ब्रोस के ऊपर इम्प्रिंट लग चुका है तो तुम इन 3 स्टोन्स को अपना मास्टर रिकॉग्नाइज करा सकते हो। इसी के बाद वो लू फैंग को बोलता है कि तुम अभी ये काम अभी के अभी करो। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो अपनी लाइम इम्प्रिंट को लेके जाता है और उन 3 स्टोन्स के ऊपर लगा देता है। जैसे वो 3 स्टोन्स के ऊपर लगाता है उन 3 ब्लैक स्टोन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर लू फैंग के माइंड के अंदर इन्फॉर्मेशन जाना स्टार्ट हो जाता है। लू फैंग के दिमाग के अंदर जो 3 सेट्स ऑफ नॉलेज जाते तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इनके अंदर लिखा हुआ था जो डुआंग माई है वो अपने यूज़र को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पावर अपने अंदर से निकालने के लिए पावर्स देता है बैटल्स के अंदर, और वो जो डोंग हुआ है वो एस्केप करने के लिए मदद करता है फिर चाहे कितनी भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो। और वही जो लास्ट है उसको है उसका नाम है रिसोर्वेशन, और रिकर्वेशन का मदद से कोई भी पर्सन अंडाइंग रिवर के ऊपर डिपेंड होते हुए अपने आप को वापिस से ज़िंदा कर सकता है, और इन्हीं को 3 सेट्स ऑफ लॉस्ट नॉलेज कहा जाता है। डोंग डोंग रिवर लू फैंग को कहता है कि यही इनहेरिटेंस है, और ये जो 3 स्टोन्स है वैसे तो इन तीनों में से हर जो एंसेस्टर या फिर हर एक जनरेशन जो होती है हर एक जनरेशन को कुल मिला के एक ही स्टोन मिलता है। जब लू फैंग को इन तीनों के दिनों लॉस्ट स्टोन्स के बारे में पता चलता है तो लू फैंग काफ़ी तो शॉक होता है और वो समझ जाता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी भी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर या फिर इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों है,
क्योंकि गाइस डेफिनेटली इसके अंदर किसी भी यूनिवर्स सुप्रीम बीइंग जो थे उनकी लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस दे के रखा था, उनके कल्टीवेशन से लेके उनके बड़े बड़े सीक्रेट्स, और उनके बड़े सीक्रेट से लेके उन्होंने आज तक लाइफ के अंदर जो कुछ भी पाया था उन सब चीज़ों के बारे में दिया था। और इन सारी चीज़ों को देख के, समझ के और फॉलो करते हुए जो ल्यू फेंग था वो डेफिनेटली एक ग्रेट बीइंग के पाथ के ऊपर जा सकता था। गाइस ह्यूमन टेरिटरी के अंदर अगर हम लोग देखें नॉर्मली तो यूजेक्स डोजो और बाकी सारे जितने भी जो पावरफुल लोग हैं वो ऑलरेडी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन चुके हैं, लेकिन उसके आगे पूरा ब्रेक थ्रू कैसे करना है, क्या करना है, इसके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता है। और यही सारी चीज़ें जो ल्यू फेंग है उसे आराम से पता चल चुकती थी क्योंकि उसके पास ये लॉस्ट नॉलेज था। मिला के अगर ल्यू फेंग कभी भी किसी लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के अंदर या फिर लाइफ एंड डेथ बैटल के अंदर जाता है तो ये जो लॉस्ट नॉलेज है वो ल्यू फेंग की जो जिंदा रहने की चांसेस है वो काफ़ी हद तक गुना बढ़ा देता है। और इवन थॉट अगर ल्यू फेंग ख़त्म हो भी जाता है तो वापस से जिंदा हो सकता है। तभी डोंग डोंग रिवर ल्यू फेंग की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन ये मत समझना कि इस चीज़ को पाने के बाद तुम पूरी तरीके से अमर हो जाओगे, क्योंकि काउंटलेस जनरेशन जो है जो कि यहाँ की डोंग डोंग रिवर की हायर्स है वो सब लोग बारी बारी से आके मरे करके, मैं 192 मास्टर हूँ इस डोंग डोंग रिवर का और तुम 193 मास्टर, इवन थॉट मैं भी मर चुका हूँ तो तुम सोच सकते हो, इवन थॉट हमारे जो एंसिस्टर है टॉप 3 एंसिस्टर्स जिनके पास सबसे पहले ये डोंग डोंग रिवर आया था वो भी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। जब ल्यू फेंग इन तीनों स्टोन्स को अपने माइंड के अंदर पूरी तरीके से फिट कर लेता है लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी सारी चीज़ें भूल रहा है, वही उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या भूल रहा है। तभी डोंग डोंग रिवर ल्यू फेंग की तरफ देखता है और क्या पूछता है कि तुम्हें कोई भी चीज़ ट्रू गॉड के ऊपर के बारे में पता है, मतलब सुप्रीम मास्टर के ऊपर की। तभी ल्यू फेंग को समझ आता है कि हाँ उसे सुप्रीम मास्टर के ऊपर की कोई भी चीज़ याद नहीं आ रही करके। तभी डोंग डोंग रिवर कहता है कि तुम याद कर भी नहीं सकते करके, तुम अनडाइंग फाइटर से लेके एक ट्रू गॉड स्टेज तक मतलब सुप्रीम मास्टर तक सारी की सारी सीक्रेट्स को जान सकते हो कि कैसे कल्टीवेट करना है, क्या करना है, इवन टॉट सुप्रीम मास्टर की भी काफ़ी सारी चीज़ों को ये कर सकते हो। लेकिन अगर सुप्रीम मास्टर के ऊपर की बात आए तो उन सारी व्यूरियस इन्फॉर्मेशन को तुम अभी एसेस नहीं कर सकते। वही ल्यू फेंग पूछता है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि डोंग डोंग रिवर ल्यू फेंग से कहता है क्योंकि जो तुम्हारी विल पावर है वो प्राइमल यूनिवर्स की है करके। ल्यू फेंग को समझ नहीं आता कि ये पर्सन कहना क्या चाहता है। तभी वो कहता है जो प्राइमल यूनिवर्स है वो मोस्ट मैसिव सेलेस्टियल बॉडी है पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन की, और उस ये जो इतनी बड़ी सेलेस्टियल बॉडी है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर चार्टिक एयर फ्लो है जो कि टेरिफाइंग अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करता है। इवन थॉट यूनिवर्स बोट और ये सारी चीज़ें भी उसके सामने कुछ भी नहीं है करके। तभी ल्यू फेंग को समझ आता है यूनिवर्स बोट, लेकिन ये जो डोंग डोंग रिवर होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता यूनिवर्स बोट के बारे में, क्यों कहता है कि इन सब चीज़ों को तुम खुद एनकाउंटर करके समझोगे, मैं तुम्हें और ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन ल्यू फेंग इतना सा समझ चुका था कि जो यूनिवर्स बोट था वो इतना ज़्यादा एशियंट सिविलाइजेशन से इतना पावरफुल चीज़ होके भी अगर वो अगर प्राइमल यूनिवर्स के अंदर इस तरीके का हाल उसका हो सकता है तो वो समझ चुका था कि जो प्राइमल यूनिवर्स है ये सच में कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी वो उसे समझाता है कि प्राइमल यूनिवर्स के अंदर जब भी तुम रहते हो जो प्राइमल यूनिवर्स है वो हमेशा तुम्हारी प्रोटेक्शन करता है तो तुम्हें कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है ये हमेशा नहीं रहती। अगर तुम यूनिवर्स ओशन के अंदर जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर और काफ़ी लोग देखने के लिए मिलते हैं। प्राइमल यूनिवर्स के अंदर काफ़ी लोगों की जो पावर्स होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है, लेकिन ओरिजिनल यूनिवर्स की सबके पावर जो होती है वो एक रियल पावर देखने के लिए मिल सकती है। कुल मिला के वो ल्यू फेंग को बस एक ही चीज़ बताता है कि अगर तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो तुम्हें डेफिनेटली रिकॉग्निशन से ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, मतलब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से ब्रेक थ्रू, जिसके बाद जो ल्यू फेंग है उसके ऊपर और ज़्यादा जो प्राइमल यूनिवर्स का फोर्स है वो नहीं रहेगा। और क्योंकि ल्यू फेंग के ऊपर किसी प्राइमल यूनिवर्स का फोर्स नहीं रहेगा तो वो ये जो काफ़ी ज़्यादा वास्ट और पावरफुल और डेंजरस नॉलेज है इनको ऑक्यूपाई कर पाएगा। इसी के साथ डोंग डोंग रिवर ल्यू फेंग को कहता है कि वो और ल्यू फेंग काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि जो ल्यू फेंग है वो प्राइमल यूनिवर्स का मेंबर है और एटलीस्ट वो अभी भी एक उसी का मेंबर है। तो कुल मिला के जो ल्यू फेंग है वो अभी भी प्राइमल यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है करके। इसी के बाद वो ल्यू फेंग की तरफ देखता है, स्माइल करता है और वापस से उस ओशन की तरफ देखता है, हाथों को हिलाता है, वो जो ओशन होता है वो बीच में से कट जाता है और वहाँ से ल्यू फेंग और इसके लिए एक पाथ बन जाता है। इसी के साथ डोंग डोंग रिवर आगे बढ़ता है और ल्यू फेंग को कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो। ल्यू फेंग डोंग डोंग रिवर को फॉलो करता है, इसी के साथ वो एक स्पेस एंट्रेंस की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। तभी डोंग डोंग रिवर उसे उस स्पेस के अंदर जाने से पहले कहता है
ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे जो टाइम है उसे एक्सेलरेट किया जाता है करके। कुल मिला के यहाँ पे तुम अपना कल्टीवेशन कर सकते हो। यहाँ पे एंडलेस डार्कनेस है, लेकिन ये जो डार्कनेस है इसका मतलब ये मत समझना कि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। इसे लगता तो है कि इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन ट्रुथ के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी रियल नहीं है। ये जो स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी एरिया को एक्सेलरेट कर पाता है। ये बस कुछ पीस ऑफ लैंड मतलब कुछ किलोमीटर तक के एरियाज को ही अपने अंदर कवर कर सकता है। लो फेंग से बोलता है कि जब तुमने वो जो सेट से लॉस्ट नॉलेज के उसके ऊपर अपना लाइफ इम्प्रिंट लगाया, तब तो मुझे सडनली रियलाइज़ हुआ कि मैं एक्चुअली काफ़ी हज़ारों करोड़ों सालों पहले ही मारा जा चुका हूँ, और यहाँ पे बस मेरी एक वर्चुअलनेस की एक कॉन्शियसनेस की एक पावर है करके, जो कि इन सारी जगहों को कंट्रोल कर रही है। वो कहता है कि मेरे को जो कुछ भी तुमसे कहना है मैंने वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी है इन सारी मेमोरी स्टोन्स के अंदर, तो जब तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम उन्हें सुन सकते हो करके। इवन डॉट ये जो एंटायर स्पेस है यहाँ की हर एक छोटी छोटी चीज़ उन मेमोरी स्टोन्स के अंदर रिकॉर्ड है। इसके बाद जो डोंग डोंग रिवर होता है वो बाउंडलेस डार्कनेस की तरफ देखता है, फिर नीचे झुकता है, ज़मीन के अंदर से कुछ मिट्टी उठाता है, उस मिट्टी की खुशबू लेता है और कहता है कि मैं काफ़ी हज़ारों सालों पहले मर चुका हूँ करके। उस मिट्टी की खुशबू लेते हुए वो कहता है कि ये जो चीज़ है ये बस मेरी एक वर्चुअल प्रोजेक्शन है, मैं कभी भी एक लाइफ फॉर्म नहीं था। इसी के साथ ये जो डोंग डोंग रिवर होता है उसकी जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे करके छोटे छोटे पीसेस के अंदर शटर कर जाती है, और फाइनली ये ज़मीन के अंदर मिल जाता है। लो फेंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है, वो ज़ोर से चिल्लाता भी है टीचर करके, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता है। डोंग डोंग रिवर ऑलरेडी मिट्टी के अंदर पूरी तरीके से मिल चुका था, लेकिन लो फेंग को अभी एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि वो यहाँ पे इस अजीब से स्पेस के अंदर आया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता क्या है करके, और वो यहाँ से बाहर कैसे जाएगा। लो फेंग काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लग जाता है। इसी के साथ हम लोगों को काफ़ी सारी जो लाइट की रेज होती है जो कि वो जो ब्लैक एरिया था उसके अंदर से निकलती है, और ये डायरेक्टली लो फेंग की तरफ चार्ज आउट करने लग जाती है। लो फेंग काफ़ी ज़्यादा डर लग जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये जो लाइट है वो उसकी तरफ इतना तेज़ी से क्यों आ रही है। अचानक से ये जो लाइट होती है ये एकदम से उसके इम्प्रिंट के साथ चमकने लग जाती है जो कि उसके बोस के ऊपर था, और सडनली हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लो फेंग होता है वो आसपास के पूरे के पूरे स्पेस और ये जितनी भी जगह थी इसको अपना मास्टर रिकॉग्नाइज करवा लेता है। लो फेंग को भी धीरे धीरे करके रियलाइज़ होने लग गया था कि डोंग डोंग रिवर से पहले क्या कह रहा था कि उसके मरने के बाद ही, मतलब जैसी उसकी छोटी सी स्पिरिट आई इसके हट्टी, लो फेंग फाइनली इस पूरे के पूरे इनहेरिटेंस के ऊपर अपनी लाइफ में प्रिंट को लगा सकता है और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। और गाइस इसके अलावा ये जो जगह है इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, इसके अलावा और कुछ होगा भी तो मैं आपको लोग फ्यूचर के अंदर बता दूंगा जो भी इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे 95% बस प्रीशियस नॉलेज रखा गया है जो कि काफ़ी सारे मेमोरी स्टोन्स के अंदर कैप्चर करके रखा गया है, और लो फेंग आगे जाके धीरे धीरे करके इन मेमोरी स्टोन्स को कल्टीवेट कर सकता है। फिलहाल जो लो फेंग है वो एकदम भगवान वाला नॉलेज तो नहीं ले सकता, लेकिन उसके पास इतना वो नॉलेज आराम से ले सकता है जहाँ तक कि वो एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर तक अपना ब्रेक थ्रू कर सके। लो फेंग को यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के ऊपर का नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए उसको सबसे पहले यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से रिकॉग्निशन एरास के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और जो लो फेंग होता है वो 15 दिन यहाँ पे और रुकता है, और जो छोटे मोटे कोर इनहेरिटेंस थे जो पत्थर वत्थर थे इन सब के अंदर से जो नॉलेज था वो सारे लगभग लगभग जो स्टोन्स है जो कि 100 मिलियन मेमोरी स्टोन्स थे उनके अंदर से वो काफ़ी सारे स्टोन्स को अपने दिमाग के अंदर छपवा लेता है, और छपवाने के बाद वो वापस से उन सब चीज़ों को थोड़ा बहुत स्टडी भी कर लेता है खुद से, जिसके कारण ये जो नॉलेज है ये काफ़ी अच्छी तरीके से लो फेंग के माइंड के अंदर छप जाता है। कुछ इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है 2600 साल जो है वो बीत जाते हैं जब से लो फेंग इन सारे इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा था। फिलहाल देखा जाए तो जो लो फेंग था वो बस एक यूनिवर्स नाइट था, लेकिन उसके बाद भी अगर उसकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वो एक यूनिवर्स मास्टर या फिर इवन टॉट एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को भी नॉलेज प्रोवाइड कर सकता था। तीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को प्राइमल जॉ सिटी लीडर और यू जैक्स देखने के लिए मिलता है। वो कहते हैं कि लो फेंग को देखे हुए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, जब से लो फेंग हायर बना है उस इनहेरिटेंस का तब से उसके बाद उसे अभी तक कोई भी नहीं देख पाया। वही जो प्राइमल जॉ सिटी लीडर होता है वो कहता है कि मे बी वो इनहेरिटेंस को एक्सेप्ट कर रहा होगा। यू जैक्स क्रिएटर उसे कहता है कि तुमने क्या उससे कॉन्टैक्ट किया? प्राइमल जॉ सिटी लीडर कहता है नहीं, मैं मे बी उसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ करके। जैक सिलेटर जोर जोर से हंसने लग जाता है और प्राइमल जॉ सिटी लीडर की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम कितना ज़्यादा चिंता करते हो करके, अच्छा तुम मैसेज नहीं भेज सकते तो मैं मैसेज भेज देता हूँ। प्राइमल जॉ सिटी लीडर कहता है कि हमें अभी मैसेज नहीं भेजना चाहिए, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तभी यू जैक सिलेटर कहता है कि वो अभी बच्चा नहीं रहा, उसका जो विल पावर है वो ऑलरेडी एक अलग लेवल के ऊपर है, उसको पता है कब किसके मैसेज का कैसे रिप्लाई करना है और कब किसको इग्नोर करना है।
क्योंकि जो प्राइमल जॉ से रिलेटेड थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे लुओ फेंग के लिए, और इवन थॉट उन्हें थोड़ा सा खतरा भी फील हो रहा था लुओ फेंग के लिए, क्योंकि ये जो जो कोई भी इनहेरिटेंस लुओ फेंग को मिला था, क्या पता ये जो डोंगजोंग रिवर है इसने वापस से कोई ट्रैप बना के रखा हो लुओ फेंग के लिए, जैसे कि इसने काफ़ी सारे रेसेस के लोगों के लिए बना के रखा था। इसलिए बस प्राइमल जॉ सिटी लीडर की चिंता को दूर करने के लिए जो यूजेक्स होता है वो डायरेक्टली लुओ फेंग को बिना कोई चिंता किए वो डायरेक्टली मैसेज भेज देते हैं। ये हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर यूजेक्स, डोजो और प्राइमल जॉ सिटी लीडर और इसी के बाद लुओ फेंग, ये तीनों की तरह साथ में मिलता है। जब यूजेक्स फर्स्ट टाइम लुओ फेंग की तरफ देखता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो लुओ फेंग की तरफ देख ही नहीं रहा, ये जो पर्सन है टोटली एक नया पर्सन है, क्योंकि लुओ फेंग की तरफ देखने से उसे अलग लग रहा था कि एक ज्ञानी संत पंडित है, क्योंकि लुओ फेंग ने कपड़े भी इस वक्त वैसे ही पहन के रखे थे, उसने इस वक्त वाइट कलर के कपड़े पहन के रखे थे और एक तरीके से लुओ फेंग बाबा बन के बैठा था। वही लुओ फेंग के अंदर से वही और उसी तरीके का इंटेंशन और वही सारी चीज़ें झलक रही थी जो सारी चीज़ें टीचर ओरिजन से काफ़ी हज़ारों करोड़ों सालों पहले झलका करती थी। यूजेक्स डोजो और प्राइमल जॉ सिटी लीडर ये दोनों के दोनों लुओ फेंग के अंदर यूजेक्स की परछाई को देख सकते थे। वही इसी के बाद जो प्राइमल जॉ सिटी लीडर वो लुओ फेंग से ये भी पूछता है क्या ये इस बार को जो इनहेरिटेंस तुम्हें मिला ये कैसा है करके, क्या ये किसी तरीके से हमारी ह्यूमन रेस के लिए हेल्पफुल है, क्या तुम हमें बता सकते हो, क्या तुम इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि इस इनहेरिटेंस से हमारी जो ह्यूमन रेस है वो आराम से ट्रांसेंड रिकॉग्निशन एरा को क्रॉस कर सकती हो। वही यूजेक्स क्रिएटर की भी आंखों के अंदर एक चमक देखने के लिए मिल सकती थी जब ये सारी चीज़ें प्राइमल जॉ सिटी लीडर लुओ फेंग से पूछ रहे थे। वही लुओ फेंग हंसते हुए बस अपना मुँह हाथ में हिला देता और फिर कहता है कि फ़िलहाल तो मेरे पास जो नॉलेज है वो बस अनडाइंग स्टेज से लेके यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर तक का है। जब लुओ फेंग ये सारी चीज़ें बोल रहा था प्राइमल जॉ सिटी लीडर और यूजेक्स एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हारे पास अनडाइंग लेवल से लेके सुप्रीम मास्टर तक का पूरा नॉलेज है, ऐसे कैसे हो सकता है। इवन टॉट गाइस जो प्राइमल जॉ सिटी लीडर है वो भी एक जगह पे आके स्टक हो चुके थे काफ़ी सारे हज़ारों सालों से और वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे और ना ही उन्हें कोई रास्ता नज़र आ रहा था। वही लुओ फेंग की बात सुनने के बाद जो प्राइमल जॉ सिटी लीडर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो लुओ फेंग से पूछता है इसका मतलब तुम्हें ये भी पता होगा कि मैं अपना ब्रेक थ्रू कैसे करूँ रिकॉग्निशन एरा से। वही लुओ फेंग बस हाके अंदर मुंडी हिला देता है। वही इन लोगों से बात करते हुए लुओ फेंग इन लोगों को ये भी बता देता है कि जो फर्स्ट रिकॉग्निशन एरा और जो सेकेंड रिकॉग्निशन एरा था उसके अंदर कुल मिला के 30 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर थे, और वो कहता है कि हमारा ये जो थर्ड रिकॉग्निशन एरा ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकता है। प्राइमल जॉ सिटी लीडर थोड़े से शॉक होता है, तभी वो उससे पूछता है क्या तुम सच्ची में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। यूजेक्स कहता है कि इसके आंखों के अंदर इसका जो कॉन्फिडेंस है वो साफ साफ झलक रहा है। वही लुओ फेंग स्माइल करता है और कहता है ऑफकोर्स एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की मेयरली काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं एक ग्रेट बींग बनने के लिए, और इसके अलावा जो मेरे पास नॉलेज है मुझे लगता है मैं अपने गाइडेंस से काफ़ी सारे लोगों को इस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। तभी यूजेक्स रिप्लाई करता है चलो ठीक है हम तुम्हें काफ़ी सारे लोग प्रोवाइड करेंगे जिसके वजह से तुम उन्हें गाइडेंस देना और देखते हैं कि तुम्हारा ये जो गाइडेंस है ये कितना ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, हमें भी तो पता चले कि एशियन कल्टिवेशन क्या क्या कर सकता है। लुओ फेंग स्माइल करता है और कहता है कि हाँ क्यों नहीं। यूजेक्स कहता है रुको मैं कुछ ही टाइम के अंदर अरेंज करवाता हूँ तुम्हारे लिए। कुछ ही टाइम के अंदर जो यूजेक्स होता है वो जितने भी ह्यूमैनिटी के लीडर्स थे या फिर जो बड़े बड़े फिगर्स थे उन सब लोगों को मैसेज भेजना स्टार्ट कर देता है, जैसे पीगोंग मास्टर, क्विंगडोंग मास्टर और गोंग मास्टर, लियांगोंग मास्टर, आइस लॉन्ग मास्टर और ऐसे जितने भी मास्टर्स हैं सब लोग इंक्लूडिंग प्राइमल जॉ सिटी लीडर। यहाँ पे कुल मिला के हम लोग को 6 से 7 यूनिवर्स मास्टर, मतलब कुल मिला के 8 यूनिवर्स मास्टर थे, और रही बात यूजेक्स की तो वो ऑलरेडी सुप्रीम मास्टर है। सो ये लोग एक रूम के अंदर बैठे हुए थे जहाँ पे लुओ फेंग भी बैठा हुआ था। तभी वो लोग लुओ फेंग को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि लुओ फेंग को पिछले 2000 सालों से किसी ने नहीं देखा था। तभी वो लोग कहता है कि जो लुओ फेंग है उसे डोंगजोंग रिवर का इनहेरिटेंस मिला है और इसके इनहेरिटेंस की मदद से ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है तुम्हारा ब्रेक थ्रू कराने के लिए यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के अंदर। तो हम सब लोगों को लुओ फेंग, हमारे महान ज्ञानी लुओ फेंग की बात सुननी चाहिए। इसी के बाद जो लुओ फेंग होता है वो कुछ बोलने स्टार्टिंग करने वाला होता है। यहाँ पे सब लोग उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं क्या लुओ फेंग तू सच में सच कह रहे हो, क्या हम सच्ची में यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बन सकते हैं वगैरह वगैरह। तभी यूजेक्स को गुस्सा आता और वो कहता है कि अब से कोई कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा बस लुओ फेंग बोलेगा। वही लुओ फेंग बोलना स्टार्ट करता है और जैसे ही लुओ फेंग बोलना स्टार्ट करता है इन लोगों के आँखें फटी की फटी और कान फटे के फटे रह जाते हैं।
गाइस, जो बेसिकली लू फैंग होता है वो हेड एंड लोगों को ये बताता है कि तुम लोगों को लॉज ऑफ पाथ की स्टडी करनी पड़ेगी। जितने भी ये नॉर्मल लॉज है, जो फंडामेंटल लॉज है, जैसे कि गोल्ड, वुड, वाटर, फायर, अर्थ, एंड विंड, लाइटनिंग, टाइम, स्पेस वगैरह, ये जितने भी है, अगर इन सब लोगों को कंप्लीट किया जाए तब हम लोग इन्हों कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ कहता है। इन्हीं को कंबाइन करने के बाद लॉज ऑफ चॉर्स भी कहा जाता है। सो किसी भी पर्सन को अपना ब्रेक थ्रू करना है तो वो लॉज ऑफ चॉर्स को ये कर सकता है। हम लोगों को होस्ट सीट के ऊपर एक दूसरा फिगर भी अपीयर होता हुआ देखने के लिए मिल सकता था, जो कि वाइट रॉब वाला फिगर था। ये और कोई नहीं है, टीचर ओरिजन थे। ये भी बैठे बैठे लू फैंग का भाषण सुन रहा था, लू यू जैक्स क्रिएटर। और सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो टीचर ओरिजन को इस तरीके से देखते हैं। तो लेकिन टीचर ओरिजन शांति से काम मेंटेन करके रहते हैं और लू फैंग अपने जो बातें होता है वो कंटिन्यू रखता है। वही टीचर ओरिजन लू फैंग से थोड़ा सा कंफर्म करते हुए पूछते हैं, लू फैंग क्या तुमने सच्ची में कहा कि लॉज ऑफ चॉस? तभी लू फैंग कहता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब लॉज ऑफ चॉस से शुरू होती है और लॉज ऑफ चॉस से ख़त्म होती है। तो हमारा जो अल्टीमेट गोल होना चाहिए वो लॉज ऑफ चॉस होना चाहिए। लॉज ऑफ चॉस कोई दूसरे शब्दों के अंदर अल्टीमेट लॉस कहा जाता है और इन्हीं फंडामेंटल लॉस कहा जाता है। लू फैंग कहता है कि हर एक चीज़ पॉसिबल है, जैसे कि तीन लॉस को कंबाइन करते हुए हम एक और लॉ बना सकता है फोर्थ वाला, उसी तरीके से पांच लॉस को कंबाइन करने के बाद हम लोग एक और लॉ बना सकते हैं, और ये कितने भी लॉस को कंबाइन कर करके हम लोग अलग अलग लॉस बना सकते हैं। इनफैक्ट ये जो चीज़ें हैं, ये 10 फंडामेंटल लॉस को जब हम मर्ज कर देते हैं तब हम लोग अल्टीमेटली लॉज ऑफ चॉस को जन्म देते हैं। वही लगभग लगभग ये जो पूरा का पूरा भाषण होता है लू फैंग का, ये लॉज ऑफ चॉस की अगल बगल में घूमता है। और इसके अलावा वो थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता है, अंडाइंग से लेके यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बनने तक। बाकी उसके ऊपर का नॉलेज तो अभी लू फैंग के पास भी नहीं था। उसके ऊपर का अगर नॉलेज लू फैंग को चाहिए तो लू फैंग को यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के अंदर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ ये जो टीचर ओरिजन थे वो बस बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा शांति से लू फैंग को सुनते जा रहे थे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उन्होंने बस एक ही बार लू फैंग से सवाल पूछा था, वो भी लॉज ऑफ चॉस के टाइप। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता था कि ये जो लॉज ऑफ चॉस है ये कुछ अलग सी चीज़ है और डेफिनेटली उनको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। तो उनको फाइनली एक डायरेक्शन मिल चुका था, वो इतने सालों से यूनिवर्स के द्वारा सप्रेस कर दिए गए थे, लेकिन अभी उन्हें एक डायरेक्शन मिल गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतने सालों से कि उन्हें क्या चीज़ परफॉर्म करनी चाहिए, उन्हें किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो ये जो यूनिवर्स का सप्रेशन है इसे अपने ऊपर से कैसे हटा सकते हैं। लेकिन फाइनली जब लू फैंग ने कह दिया था कि शुरुआत लॉज ऑफ चॉस से होती है और ख़त्म भी लॉज ऑफ चॉस से ही होता है, तो उनको ये पता चल गया था। तो उन्हें एक अल्टीमेट डायरेक्शन मिल गया था कि उनको भी अभी अपने लॉज ऑफ चॉस के ऊपर ही ध्यान देना है करके। वही इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो फाइनली अपना भाषण खत्म करने से पहले कहता है कि ये जो नॉलेज है ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट है करके। वैसे मैं यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से ऊपर का नॉलेज नहीं बता सकता, लेकिन उसके नीचे का अभी भी काफ़ी सारे नॉलेज है। फॉर एग्जांपल कॉम्पैक्ट मैटर्स के बारे में नॉलेज, और जितनी भी टेक्निक्स होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा माउंडलेस होती है उनके बारे में नॉलेज। मैं ये सारी नॉलेज को आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मे बी इन सारे नॉलेज को मैं वर्बली आपसे शेयर नहीं कर सकता, तो मैं आपको अपनी मेमोरीज के अंदर शो करूँगा जब मैं वापस से उसी जगह के ऊपर जाऊँगा, मिनटू से यूनिवर्स बोर्ड के अंदर जाऊँगा और अपने वो जो स्टोन्स हैं उनको स्टडी करके आऊँगा। मैं अपनी मेमोरीज जोन आप लोगों से शेयर करूँगा, जिसके कारण आपको जो लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी है उस चीज़ को आप खुद पढ़ के समझ सकते हो। भाई इसी के बाद सीन चेंज होता है। फ्लेम आइस रीजन के अंदर यूनिवर्स बोट होती है और यूनिवर्स बोट के अंदर बोट ऑफ मेसोलियम थी, जिसके अंदर लू फैंग एक स्पेस के अंदर कल्टिवेट कर रहा था। वो कहता है कि फाइनली फाइनली ये जो मेरा भाषण है वो ख़त्म हुआ। वो कहता है कि मैंने सच्ची में एक्सपेक्ट नहीं किया था जो यूज एक्स क्रिएटर है उनका कैरेक्टर इतना ज़्यादा डिफरेंट होगा। जिनको वो इतना ज़्यादा शांत समझ देता है उसे यूज एक्स क्रिएटर ने लू फैंग का दिमाग खा के रखा था। वो इतने टाइम से इतने सारे सवाल पूछे जा रहा था कि लू फैंग की भी हालत ख़राब हो चुकी थी उनको जवाब देते देते। वैसे जो जब लू फैंग ने यूज एक्स को भाषण देना स्टार्ट किया था वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन एट द एंड एंड तक जो लू फैंग था वो इतने ज़्यादा बोर हो गया था, वो सोच रहा था ये भाषण कब ख़त्म होगा करके। इसी के बाद ऑलरेडी लू फैंग को जो इनहेरिटेंस है वो मिले हुए 9106 साल हो चुके थे। लू फैंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मेरे को भले ही ये इनहेरिटेंस मिला हो, मेरे को काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट के अंदर नॉलेज मिला हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक चीज़ ये नॉलेज से ही सीखूँ। नॉलेज की भी तभी काम आ सकता है जब मैं नॉलेज को कॉम्प्रहेंड करके अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ। और अगर लू फैंग अपना ये जो कल्टिवेशन है वो करना ही छोड़ देगा तो फिर ये जो नॉलेज है वो भी उसके किसी काम नहीं आएगा। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो अपनी कल्टिवेशन को कंटिन्यू करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को ईस्ट टेम्पोरल यूनिवर्स दिखाया जाता है जहाँ पे नॉर्थ
ट्रू मास्टर और बाकी सारे यूनिवर्स मास्टर भी हम लोगों को देखने के लिए मिल सकते थे उनके क्लैन के। वही उनके जो एंसिस्टर होता है वो उन्हें कहता है, क्या तुम्हें लोग फेंग के बारे में कुछ भी पता चला? वो कहता है कि वो अभी तक यूनिवर्स बोर्ड के अंदर खड़े है और जो बोट ऑफ मिसलियम है उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है करके, जैसे उसके अंदर कोई मूवमेंट होगा वैसे ही हम लोग निकल जाएंगे। या फिर हो सकता है कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका हो और अपने वो जो यूनिवर्स बोट है उसे वहीं पर छोड़ के गया हो। एक साथ वो ये भी कहते हैं कि मे बी ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर ने उसकी मदद की हो। तभी उनके एंसेस्टर कहते हैं कि तुम सब लोग अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें तब तक अपनी होप रखनी पड़ेगी जब तक तुम्हें लू फेंग मिल नहीं जाता। वहाँ पे कंटिन्यूसली पहरा देते रहो, जिस मोमेंट के अंदर लू फेंग बाहर निकलेगा उस मोमेंट के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए हमें लू फेंग को पकड़ना ही पड़ेगा। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे रेस के लिए, फिर चाहे हमें कोई भी प्राइस क्यों ना पे करनी पड़े। इसके बाद ये अपनी ये जो नाकाबंदी होती है बूट ऑफ मिसलियम के आसपास वो और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। वही इन लोगों ने अपनी नाकाबंदी बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। वही बीच बीच में जो एंसेस्टर है वो भी इन लोगों को आ के नॉलेज दे के जाते थे, मतलब आ के भाषण सुना के जाते थे और कहते थे कि तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए लू फेंग को तुम्हें पकड़ना ही पकड़ना है। और यही इसी तरीके से वो मोटिवेट करते रहते थे। तो नॉट ट्रू मास्टर था वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, वो सोचता है क्या ये इनहेरिटेंस क्या ये सच्चे में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो नॉट ट्रू मास्टर है वो बार बार आके हमको किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों को लू फेंग देखने के लिए मिलता है बूट ऑफ मिसलियम के अंदर, एक स्पेस के अंदर वो कल्टीवेट कर रहा होता है स्पेस इनहेरिटेंस को। उस अपने आँखें खोलता है और वो कहता है कि ये सच्ची में कल्टीवेशन कितना ज़्यादा वास्ट है करके, और साथ ही साथ ये एक्सपीरियंस ये मेमोरी स्टोन्स मेरे को इतना ज़्यादा लंबा टाइम हो गया लेकिन इसके बाद भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। सच्ची में ये मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा है। और अभी कहीं के लू फेंग को ये भी फील होने लग गया था उसका जो लॉ कॉम्प्रेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, लेकिन जो लू फेंग था फिलहाल उसने ये डिसाइड कर लिया था कि उसे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। यहाँ से निकलने के बाद उसे सबसे पहले अपने वो जो पियर ऑफ वाइट विंग्स है मतलब जो शावो विंग्स का ओरिजन है उसको उठाना पड़ेगा। उसको उठाने के बाद वो गोल्डन स्पेस पाथ को कल्टीवेट करेगा और उसको कल्टीवेट करने के बाद सबसे पहले अपना ब्रेक थ्रू करेगा यूनिवर्स मास्टर के अंदर। मोरेवर लू फेंग ने ये भी डिसाइड किया था कि वो कंप्लीट सेट ऑफ लॉज को स्टडी करेगा, मतलब उन 10 फंडामेंटल लॉज जिसके अंदर गोल्ड वुड फायर अर्थ विंड और लाइटनिंग लाइट टाइम एंड स्पेस आता है। और रही बात बूट ऑफ मिसलियम की और स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस की, तो इन सारी चीज़ों को वो अपने साथ लेके जाएगा प्राइमरी यूनिवर्स के अंदर क्योंकि वही सबसे ज़्यादा सेफ जगह होगी और इन सारी चीज़ों को वो अपनी गॉड कंट्री के अंदर छुपा के रखेगा। वही इसी के बाद लू फेंग को ये चीज़ भी पता चलती है कि अरे हाँ उसके पास इनहेरिटेंस भी है करके, ये जो पर्सन है इसने ज़रूर लू फेंग के लिए कोई ना कोई इनहेरिटेंस या फिर कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज़ भी छोड़ के गया होगा। डेफिनेटली डॉन्ग हुआ है वो अपने लिए ऐसे कैसे कर सकता था कि अपने कैंडिडेट के लिए फ्यूचर कैंडिडेट के लिए कोई इनहेरिटेंस ना छोड़ के जाए, मतलब कोई वैल्यूएबल ना छोड़ के जाए। इसलिए जो लू फेंग होता है वो स्पेस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर जाता है, वो एक एंट्रेंस के अंदर जाता है जहाँ पे जाने के बाद उसे काफ़ी सारे ट्रेजर देखने के लिए मिलता है। जो पूरा का पूरा एक ट्रेजर का पहाड़ देखने के लिए मिल सकता था जिसके अंदर काफ़ी सारे काउंटलेस सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स भी थे और इसके अंदर कुल मिला के 322 प्रीशियस ट्रेजर थे। लेकिन लू फेंग को पता था कि इनमें से वो बस एक ही ट्रेजर ले सकता है करके, और वो ट्रेजर भी अगर देखा जाए तो लू फेंग का नहीं होगा। जब तक लू फेंग जिंदा है तब तक लू फेंग उस ट्रेजर को रख सकता है, उसके बाद उसे ये ट्रेजर वापस करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के मरने के बाद कैसे वापस करेगा? मे बी हो सकता है कि लू फेंग के मरने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो ट्रेजर है वो यहाँ पर आ जाए। वही बातों को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूँ, लू फेंग को स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लेकिन एट द एंड जो लू फेंग होता है वो एक ब्लेड चूज़ करता है और ये जो ब्लेड होता है ये कुछ अलग ही टाइप का होता है। मतलब ये फिलहाल अपनी सबसे ज़्यादा छोटे कल्टीवेशन स्टेज के ऊपर होता है, जिस तरीके से जब लू फेंग को शेव विंग्स मिले थे वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर थे, मतलब सिंगल पेयर ऑफ विंग्स मिले थे और वो धीरे 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 करके पावरफुल होते गए जैसे जैसे उनके पार्ट्स बने। वैसे ही जो लू फेंग के पास अभी जो ब्लेड लू फेंग ने चुना है वो एम्ब्रियो स्टेट के अंदर है और धीरे धीरे करके उसका स्टेट है वो बढ़ता रहेगा और इसका जो पोटेंशियल है वो अभी अपने करंट पोटेंशियल के अंदर ही इतना ज़्यादा पावर रिलीज कर सकता है कि वो किसी भी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर को टक्कर दे सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा पावर रिलीज कर सकता है। और जैसे जैसे लू फेंग स्ट्रांग बनेगा उसका ये जो ब्लेड है इसका भी जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। मतलब कुल मिला के लू फेंग जितना अच्छी तरीके से इसके ब्लेड को इस्तेमाल करेगा उतना ही ज़्यादा इसका लेवल बढ़ेगा। और अभी इस ब्लेड के साथ लू फेंग को दूसरे किसी ब्लेड की ज़रूरत ही नहीं है, वो लाइफ टाइम अपने ये सिंगल ब्लेड इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि जो सिंगल ब्लेड ही है ये उसके लाइफ टाइम उसका साथ देगा। इस ब्लेड के कारण उसे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी फील नहीं हो सकती। डेफिनेटली किसी चीज़ को तो नहीं लेकिन ब्लेड की तो कमी नहीं फील होगी और ना ही लू फेंग को कभी ऐसा लगेगा कि उसका ब्लेड वीक हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे लू फेंग बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ये जो ब्लेड है वो भी इवॉल्व होगा पोकेमोन की तरह। वही जो लू फेंग होता है वो अपने इस ब्लेड का नाम ब्लड शैडो ब्लेड रखता है। अभी लू फेंग के पास 3 सुप्रीम ट्रू ट्रेजर थे अगर देखा जाए तो,
क्योंकि ब्लड शेडो ब्लेड, स्टार टावर और शिवो विंग्स, ये तीनों के तीनों कहीं ना कहीं सुप्रीम टू ट्रेजर लगते थे। भले जो शिवो विंग्स थे उनको आप कोई ट्रेजर नहीं बोल सकते, एक्चुअल में जो शिवो विंग्स है वो एक मशीन है, एक बैटल मशीन समझ सकते हो एशियन टाइम की। चाहे वो कुछ भी हो, एट द एंड उसके अंदर से जो एनर्जी निकलती है वो एक अलग ही लेवल की है। और गाइस जो शिवो विंग्स है उसके टोटल कुल मिला के 6 पेयर्स है, और 6 पेयर्स के अंदर मेरा मतलब ये नहीं है कि 6 पेयर्स का मतलब मैं 6 पंखुड़ियों की बात कर रहा हूँ। 6 पेयर्स का मतलब हर एक पेयर के अंदर 2 विंग्स होते हैं, मतलब 2 पंखुड़ियाँ होती है, तो वैसे कुल मिला के उसकी 6 है। फिलहाल लो फैंग के पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट को मिलाने के बाद अभी 4 पंखुड़ियाँ थी। वही वो जो ओरिजन है, वो ओरिजन एक्चुअल में ये जो शिव विंग्स है उसका इंजन है, लेकिन वो उसका 6th पार्ट है। तो लो फैंग को उसका अभी भी 3rd, 4th, 5th और मतलब और 3 से 4 पार्ट ढूंढने पड़ेंगे, तभी जाके वो जो 6th पार्ट है जो कि ओरिजन है वो पूरे के पूरे शिव विंग्स को एक तगड़ा वाला पावर प्रोवाइड कर सकता है। और रही बात बाकी के पार्ट्स की शिव विंग्स के, तो वो पता नहीं लो फैंग को आगे जाके मिलेगा या नहीं मिलेगा। वैसे तो डेफिनेटली मिलेगा, राइटर ने लिखा यहाँ तक तो डेफिनेटली मिलना ही चाहिए। अभी जो लो फैंग था वो इस वक्त ऑलरेडी इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था कि वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से भी नहीं डरता था, इवन थॉट वो उनके साथ भी फाइट कर सकता था। उनको मारना लो फैंग के हाथों के अंदर नहीं था, लेकिन उनको रोकना लो फैंग के हाथों के अंदर था। लो फैंग सोचता है कि वो ऑलरेडी एक यूनिवर्स नाइट है, लेकिन उसके बाद भी उसको कॉम्प्रहेंशन इस लेवल के ऊपर जा चुका है। मे बी जब वो यूनिवर्स मास्टर बनेगा तो वो जो कुदरत के लॉज है उनको तोड़ देगा। गाइस जो यूनिवर्स मास्टर होता है वो कुल मिला के 6 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, और जो लो फैंग है वो अभी यूनिवर्स नाइट होने के बाद भी उसके पास कम से कम 5th लेवल की यूनिवर्स मास्टर की पावर है। तो जब लो फैंग यूनिवर्स मास्टर बनेगा तो मे बी हो सकता है कि वो यूनिवर्स मास्टर के अंदर 7th, 8th या फिर 9th लेवल को भी क्रिएट कर सकता है। किस कौन सोच सकता है गाइस, 6 लेवल से एक सुप्रीम मास्टर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और ये जो ब्रेक थ्रू होता है ये डेफिनेटली इतना आसान नहीं होता। लेकिन जो लो फैंग है मे बी वो ऐसा निकाल सकता है कि वो सेमी कोई यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर बना दे, मतलब जस्ट सुप्रीम मास्टर से हल्का सा नीचे वाला, तो उसके अंदर 6 या फिर 7th लॉ जुड़ जाएगा, लेकिन डेफिनेटली ये लॉस के खिलाफ है। वही शिन शिफ्ट होता है, हम लोगों को बाहर के साइड अभी भी नॉट रू मास्टर देखने के लिए मिल सकते थे, जो कि कंटिन्यूसली ऑर्डर देते जा रहे थे अपने सिपाहियों को कि जब भी तुम्हें कोई भी फ्लाइंग टाइप ऑब्जेक्ट दिखे उस ऑब्जेक्ट को रोको और उससे पूछताछ करो कौन है, क्या है, क्यों है, किस लिए आया। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था कि बाहर जितने भी लोग थे उन सब लोगों को सुप्रीम टू ट्रेजर दे दिए गए थे नॉट टू टेरिटरी के द्वारा। इस बार ये जो टेरिटरी है ये डेफिनेटली लो फैंग के बोट ऑफ मेसोलियम और उसके इनहेरिटेंस के पीछे हाथ धो के पड़ी थी। अफकोर्स उन लोगों को पता था कि अगर उनके ये जितने भी पहाड़ी के टट्टू है या फिर जो भी लोग लो फैंग को पकड़ने के लिए इन लोगों ने भेजा उन लोगों के पास सुप्रीम टू ट्रेजर नहीं होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि लो फैंग अकेला ही 6 से 7 यूनिवर्स मास्टर्स को एक साथ संभाल सकता है। तो कुल मिला के अगर लो फैंग ने अपने ट्रेजर्स को निकालना स्टार्ट किया तो मे भी हो सकता था लो फैंग इन लोगों को खड़े खड़े मार सकता है, इसलिए ये लोग अपना जमा कुंजी खाली करते हैं, अपना ट्रेजर वोट खाली करते हैं, और उसके अंदर जितने भी सुप्रीम टू ट्रेजर होते हैं वो सारे के सारे यूनिवर्स मास्टर्स के अंदर कुछ टाइम के लिए बांट देते हैं। एंड वैसे भी गाइस जो डूम्स डे है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, और डूम्स डे के सामने कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती, फिर चाहे वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर हो या फिर कोई सुप्रीम टू ट्रेजर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बोट ऑफ मोसिलियम के अंदर का जो इनहेरिटेंस था ये उनकी एक लास्ट उम्मीद थी, जिसके कारण वो ट्रांजिस्टिंग रिकॉग्निशन एराज के थ्रू अपना ब्रेक थ्रू कर सकते थे, जो एरा ये यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के बाद आता है। वैसे तो ये लोग थे, इन लोगों को अभी तक पता नहीं चला था कि वो जो हायर है वो कौन बना था, वो मिल्की वे ऑडी लीडर बना था या ब्लू ब्लड नाइट बना था, क्योंकि गाइस जो ब्लू ब्लड नाइट जिस क्लैन से था उन क्लैन वालों ने कुछ भी बोलना छोलना छोड़ दिया था, तो इसलिए बाकी के सारे जो लोग थे वो भी अभी भी एक कंफ्यूजन के अंदर थे। वही जो ह्यूमैनिटी है वो तो ढिंडोरा पीटने वाली लो फैंग के नाम का कि लो फैंग के पास है, लो फैंग के पास है, डेफिनेटली वो ये कंफ्यूजन को कंफ्यूजन बना के रखेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम तक इन लोगों को नहीं पता होगा कि ह्यूमैनिटी के पास वो इनहेरिटेंस है उतना ही ज़्यादा ह्यूमैनिटी और अच्छा होगा, इवन थॉट उतना ही लो फैंग और भी ज़्यादा सेफ होगा। तो इन लोगों के 2 टारगेट थे, अगर ब्लड मून नाइट निकला तो उसको भी मारेंगे, मिल्की वे ऑर्डर निकलेगा तो उसको भी मारेंगे, कुल मिला के जिसके पास भी इनहेरिटेंस होगा उसकी मारनी मारनी है। मशीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को लो फैंग देखने के लिए मिलता है। जो लो फैंग होता है वो इस वक्त अपने स्टार टावर के अंदर होता है, और स्टार टावर के अंदर लो फैंग ने अपने बोट ऑफ मसिलियम को डाल दिया था, वो इसलिए इसने ये सारी चीज़ें की थी क्योंकि डेफिनेटली बोट ऑफ मसिलियम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, और इतने बड़े बोट को वो लेते हुए अगर बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली ये जो लोग हैं इन लोगों
पता चल जाएगा लू फेंग निकल रहा है, इसलिए उसने स्टार टावर का जो साइज़ है वो एक पार्टिकल के साइज़ के बराबर कर लिया था और भी लाइट की स्पीड के साथ बाहर निकल रहा था। तभी अचानक से हम लोगों को एक पर्सन देखने के लिए मिलता है, जो पर्सन था वो मियाँ मास्टर था। कि मियाँ मास्टर कहता है कि मियाँ भाई मतलब नॉट ट्रू मास्टर, मेरे को कोई मिला है, मुझे एक फ्लाइंग पैलेस टाइप टू ट्रेजर मैंने डिस्कवर किया है, ये क्रिमसन टावर है, इसके अंदर जरूर लू फेंग होगा करके। वही सब लोग एक साथ उसी डायरेक्शन के अंदर रश करने लग जाते हैं जहाँ पे लू फेंग का वो पैलेस देखा गया था। तभी जब लू फेंग अपने स्टार टावर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा था, अचानक से उसे एक आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जो आवाज़ थी ये नॉट ट्रू स्टार मास्टर की थी। लू फेंग समझ जाता है इस आवाज़ को सुनने के बाद, जिसके बाद नॉट ट्रू स्टार मास्टर कहता है कि लू फेंग इस बार तुम्हें शायद से हमारे साथ ईस्ट लैंड पर होली लैंड आना पड़ेगा, हम तुम्हारा दिल से स्वागत करना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगे? इवन टॉट जो होली लैंड के एंसेस्टर है वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। लू फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है होली लैंड के एंसेस्टर के बारे में सुनने के बाद, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे जो ईस्ट लैंड पर के होली लैंड के लोग हैं या फिर जो तुम्हारे एंसेस्टर है वो गेस्ट को इस तरीके से रिसीव करते हैं, क्योंकि गाइस ऑलरेडी लू फेंग के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने अटैक कर दिया था। कोई लू फेंग के वो जो स्पेस शटल था उसके पूछ के ऊपर लटक रहा था, तो कोई उसके पंखुड़ियों के ऊपर लटक रहा था, तो कोई लू फेंग के विंडशील्ड के ऊपर बैठा हुआ था। कुल मिला के ये सब लू फेंग के वो जो स्टार टावर था उसको पकड़ के बैठे हुए थे, और लू फेंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उड़ रहा था। ये बात, ये जो नॉट ट्रू मास्टर था ये लू फेंग को बस अपने बातों के अंदर उलझा रहा था। अचानक से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सक्शन फोर्स आ जाता है और ये लू फेंग को एक चीज़ के अंदर कैद करने की कोशिश कर रहा था। ये एक सुप्रीम टू ट्रेजर था, एक डोमेन टाइप का सुप्रीम टू ट्रेजर, ये सील करने का भी काम कर सकता था। तभी लू फेंग समझ जाता है कि उसका जो स्टार टावर है उसके साथ खतरा हो सकता है, क्योंकि जो उसका स्टार टावर है वो एक सुप्रीम टू ट्रेजर है। तभी जो लू फेंग होता है वो एकदम से गायब हो जाता है, उसका स्टार टावर गायब हो जाता है और वो बोट ऑफ मेसिलियम के अंदर आ जाता है, और बोट ऑफ मेसिलियम को जो बंदा है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो सील नहीं कर सकता था, कि जो बोट ऑफ मेसिलियम था वो पूरी तरीके से अनब्रेकेबल था। नेटली जो बोट ऑफ मेसिलियम था वो कोई पैलेस टाइप टू ट्रेजर नहीं था, लेकिन स्टिल ये एक पैलेस टाइप टू ट्रेजर जैसा काफ़ी तगड़ा वाला काम कर सकता था। बोट ऑफ मेसिलियम था ऑलरेडी, उसका साइज जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो धीरे धीरे करके जैसे लू फेंग अपने साइज को बढ़ाते जाता है कुछ ही टाइम के अंदर वो हंड्रेड ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर लंबा चौड़ा हो जाता है उसका बोट ऑफ मेसिलियम, और उसके सामने वो जो सुप्रीम टू ट्रेजर का जो सक्शन फोर्स था वो ऐसा लग रहा था कि कोई फूक मार मार के उसके बोट ऑफ मेसिलियम को उड़ाने की कोशिश कर रहा है। वही जो नॉट ट्रू मास्टर के लोग होता है वो उसे कहने लग जाते हैं कि हमारे लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है करके बोट ऑफ मेसिलियम को सक्शन फोर्स के द्वारा कैच करना, हम लोग इसे बस घेर सकते हैं करके। वही ये सब लोग जो होता है वो एक साथ घेरना स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्थन स्टार स्टार मास्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, इवन इनफैक्ट इन सब लोगों के पास सुप्रीम टू ट्रेजर होता है, लेकिन उसके बाद भी ये इस बोट ऑफ मेसिलियम को जो कि एक ऑटोमैन टाइप का या फिर एक पुराने टाइप की स्पेसशिप थी इसको वो कैच नहीं कर पा रहे थे। फिर चाहे इसके बाद डिफेंस की हो या फिर इसके बाद स्ट्रेंथ की हो या फिर इसके बाद फ्लाइट की हो, ये काफ़ी ज़्यादा ऑर्डिनरी कहा जाता था, लेकिन उसके बाद भी किसी भी सुप्रीम टू ट्रेजर से 10 times या फिर 100 times ज़्यादा पावरफुल था। फिर आराम से अपने बोट ऑफ मेसिलियम के अंदर बैठते हुए उड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे की तरफ, लगभग 100 या फिर 1000 times लाइट की स्पीड से, और लू फेंग के बोट ऑफ मेसिलियम के पीछे ये सब लोग लटके हुए थे। सब लोगों ने अपने काफ़ी सारे सुप्रीम टू ट्रेजर यूज़ करके रखे थे, इवन 10 सुप्रीम टू ट्रेजर्स को एक साथ इस्तेमाल करने के बाद भी उनमें से कोई भी बोट ऑफ मेसिलियम को नहीं रोक पा रहा था। बोट ऑफ मेसिलियम का ड्रैग फोर्स इतना ज़्यादा था कि बोट ऑफ मेसिलियम एक साथ 10 से 12 यूनिवर्स मास्टर्स को एक साथ अपने साथ खींचते हुए लेके जा रही थी और इन लोगों को भी स्पेस की सैर करा रही थी। वही ये लोग एक टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं लू फेंग का पीछे करते करते, और लू फेंग के बोट के पीछे लटकते लटकते वो लोग सोचते हैं कि हम जिंदगी भर इसी तरीके से लटके रहेंगे, ये जो पर्सन है ये सच्ची में ये हम इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक टाइम के बाद वो लू फेंग के बोट को छोड़ देते हैं और वो कहता है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा रैकलेस है, काफ़ी ज़्यादा रैकलेस, हम भी देखते हैं कि ये बंदा बोट ऑफ मेसिलियम के अंदर कितना ज़्यादा टाइम तक रहता है। डेफिनेटली अगर उसको इनहेरिटेंस मिल भी गया होगा तो उसे उस इनहेरिटेंस को कल्टीवेट करना पड़ेगा, और वो इसी तरीके से अगर हमेशा हमेशा बोट ऑफ मेसिलियम के अंदर बैठा रहेगा तो कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। जब वो कल्टीवेशन के लिए बाहर आएगा, जब वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए बाहर आएगा, तो डेफिनेटली हम लोग इसे मार देंगे और इसे मार के इसका ट्रेजर ले लेंगे। कई जो नॉट ट्रू मास्टर था वो अकेला यहाँ पे नहीं था, इसके अलावा बाकी जो क्लैंस के लोग थे वो लोग भी इस वक्त लू फेंग को पकड़ने के लिए आ चुके थे, जैसे पर्पल मून होली लैंड वगैरह वगैरह, और लेकिन एट द एंड ये सब लोग चले जाते हैं और बस बचता है नॉट ट्रू मास्टर और उसके लोग। भाई जो नॉट ट्रू मास्टर होता है वो इन सारी बातों को एंसेस्टर तक पहुँचा देता है, वो एंसेस्टर को कहता है कि हम लोगों ने अपनी सारी की सारी कोशिशें कर ली, हम लोगों ने सामडान दंड भेद सब इस्तेमाल करके देख लिया, इवन 12-12, 15-15 यूनिवर्स मास्टर एक साथ मिलके उस बोट ऑफ मेसिलियम को रोक रहे थे, इवन थॉट
दस दस ग्यारह ग्यारह सुप्रीम टू ट्रेजर एक साथ इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके बाद भी वो जो बोटअप में से लिया हुआ है उसके अंदर एक छोटा सा भी चेंज नहीं आया उसके स्पीड के अंदर। हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लूफेंग को तब तक नहीं रोक सकते जब तक वो खुद ना चाहे हम रुक जाए। वो यूनिवर्स वो जो इंसिस्टर होता है वो हाँ के अंदर मुंडी लाते हैं और कहते हैं डेफिनेटली ये जो बोटअप में से लिया है ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पेशल चीज़ है। एट द एंड जो एंसिस्टर होता है वो नॉट रूट शाह मास्टर को यही कहता है कि तुम कैसे भी करके लूफेंग के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करो, क्योंकि इस तरीके से फोर्सफुली तो हम उसे पकड़ नहीं सकते। और वो कम्युनिकेशन करके लूफेंग के सामने कुछ डील्स रखना चाहते थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और डायरेक्टली हम उसी कम्युनिकेशन के ऊपर आते हैं। फाइनली जो नॉट टू मास्टर होता है वो लूफेंग को रोक लेता है। वही लूफेंग रुकने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये बात करना चाहता था इसलिए लूफेंग दो सेकंड के लिए रुक जाता है और उड़ते उड़ते इससे बात करता है कि तू क्या बोलना चाहता है करके। तभी वो कहता है कि हम तुम्हारे साथ एक डील करना चाहिए थे। लूफेंग कहता है मुझे कोई डील वील नहीं करनी। वो कहता है कि इस डील के अंदर चाहे तुम कुछ भी मांग सकते हो, हमें तुम्हारा ट्रेजर नहीं चाहिए ना ही तुम्हें तुम्हारी बोट ऑफ मसलियम चाहिए, हमें बस तुम्हारी जो थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस है या फिर जो तुम्हारी मेमोरीज है, मतलब कहने का मतलब जो मेमोरी स्टोन्स है उसके अंदर से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो एक्सपीरियंस ही है। उसके बदले में तुम चाहे जो चाहे वो मांग सकते हो, फिर चाहे वो सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स की बात हो, टॉप सीक्रेट्स की बात हो या फिर वैल्यूबल्स की बात हो। हमारा जो क्लैन है वो वन ऑफ द एशियन क्लैंस के अंदर से एक आता है, हम चाहे तुम्हें कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तुम बस अपनी बोली रखो। जैसे लूफेंग के माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती है और वो इतनी सारी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स के बारे में लूफेंग को बताता है, डेफिनेटली जो लूफेंग होता है उसका दिमाग घूम जाता है। फाइनली जो लूफेंग होता है वो अपना मूड बना लेता है, वो सोचता है इनको छोटा मोटा मेमोरी इनहेरिटेंस टंगा के मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और मोटी रकम निकाल सकता हूँ। एट द एंड अगर मैंने इन लोगों से कुछ सुप्रीम टू ट्रेजर्स ले भी लिए तो इन लोगों को क्या ही पता चलेगा, इनको कोई फेक सा मेमोरी इनहेरिटेंस दे दूंगा या फिर कोई जो चीज़ काम की नहीं है वो चीज़, क्योंकि एक छोटे से मेमोरी इनहेरिटेंस के बदले में उसको काफ़ी सारे ट्रेजर्स मिल सकते थे। और डेफिनेटली अभी जो ह्यूमन रेस था उसे डेफिनेटली सुप्रीम टू ट्रेजर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि देखा जाए तो बस ह्यूज एक्स के पास ही सुप्रीम टू ट्रेजर था और किसी के पास भी नहीं। वो बात अलग है कि लूफेंग के पास भी था, लेकिन वो पूरी ह्यूमैनिटी को कहा पता है कि लूफेंग के पास भी ट्रेजर है। लेकिन लूफेंग नॉर्टन शार मास्टर से ये भी कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर को ये नहीं पता कि जो जितने भी मेमोरी इनहेरिटेंस है मैं बस सुप्रीम टू ट्रेजर तक या फिर सुप्रीम मास्टर तक के ये कर सकता हूँ। जितनी भी मेमोरी इनहेरिटेंस जो कि यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर को सप्रेस करता है उन सारी चीज़ों को फिलहाल जो मेरी विल है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर। तभी नॉट ट्रू मास्टर कहता है हाँ ऑफकोर्स उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है कि तुम अभी इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम उन सारे इन्फॉर्मेशन को एसेस कर सको, और ऑलरेडी जो एंसेस्टर है वो ट्रांजिशन एंसेस्टर एरास के थ्रू गुजर चुके हैं। तो कुल मिला के तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें वो सारे मेमोरी इनहेरिटेंस ला के उन्हें देना है और वो डेफिनेटली क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो उन सारे मेमोरी इनहेरिटेंस को अपने खुद से उनको सील ओपन करके उनके अंदर के जितने भी एक्सपीरियंस है उनको पा सकता है। और डेफिनेटली इसकी बात सुनने के बाद उसको कोई भी शक नहीं हो रहा था कि ये जो एंसेस्टर ही सबसे ज़्यादा पुराना है और डेफिनेटली ये बंदा सबसे ज़्यादा पुराना और सबसे ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ इसके पास काफ़ी सारा नॉलेज है। वही इसी के बाद जो लूफेंग होता है वो बाकी की फर्दर बातें बाद में डिले करता है और नॉट ट्रू मास्टर उससे उसकी रकम पूछता है। लूफेंग कहता है मुझे कुल मिला के 10 सुप्रीम टू ट्रेजर्स चाहिए, हिडन इनहेरिटेंस चाहिए तुम्हारे रेस का, और इसके अलावा तुम्हारे रेस के अंदर के जितने भी सीक्रेट्स है यूनिवर्स के बारे में वो सारे भी मुझे चाहिए। नॉटन ट्रू मास्टर पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मुंह खुला का खुला रह जाता है। 10 सुप्रीम टू ट्रेजर्स इवन थॉट उनका जो ईस्टर्न एम्परर होली लैंड था वो वन ऑफ द मोस्ट पुराना क्लैन माना जा सकता है, लेकिन उनके उतने सारे एराज मिल गए। पिछले 3 एराज को मिलाने के बाद भी अगर देखा जाए तो उनके पास इतने सुप्रीम टू ट्रेजर नहीं होंगे जितने लूफेंग ने मांग लिए थे। जो नॉट रू मास्टर होता है वो अभी भी स्माइल करता है और एक लंबी सांस करते हुए कहता है कि डेफिनेटली हमारा जो क्लैन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैन है और सबसे ज़्यादा पुराना क्लैन है, लेकिन जितना तुम बोल रहे हो इतना देने के लिए हम पूरा बैंक करप्ट हो जाएंगे और हम रोड के ऊपर आ जाएंगे। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ी बहुत प्राइस कट डाउन करनी चाहिए? रही बात सीक्रेट इनहेरिटेंस की या फिर यूनिवर्स ओशन के सीक्रेट्स की, तो वो सारे हमारे पास बहुत है, तो वो हम तुम्हें काफ़ी सारे दे सकते हैं। तभी लूफेंग गुस्से में बोलता था कि तुम किस तरीके की इनहेरिटेंस और किस तरीके की सीक्रेट्स की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो सीक्रेट और इनहेरिटेंस है ये मेरे उन मेमोरी इनहेरिटेंस को कोई टक्कर दे सकता है? लूफेंग कहता है कि अगर तुम्हें देना है तो दो, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे सीक्रेट वगैरह जानने की। और रही बात उन 10 सुप्रीम टू ट्रेजर्स की, तो मुझे हर एक टाइप का एक सुप्रीम टू ट्रेजर चाहिए। ट्रू मास्टर इस वक्त अपने दांत कसमसा रहा था, इवन थॉट वो एक यूनिवर्स मास्टर था लेकिन उसके पास भी कुल मिला के एक ही सुप्रीम टू ट्रेजर था जो कि खुद का था। वो सोचता था इवन यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स को भी सुप्रीम टू ट्रेजर्स के लिए आपस में लड़ाई करनी पड़ती, एक ब्लड वॉर छिड़ जाता है, और ये बंदा 10 सुप्रीम टू ट्रेजर इस तरीके से मांग रहा है जैसे कि ये कोई कंचे मांग रहा हो खेलने के लिए।
विंग इसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है कि जल्दी जल्दी अपना डिसीजन बनाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे पनवेल निकलना है करके। तभी वो कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो, मुझे हमारे एंसेस्टर से बात करनी पड़ेगी। लू फेंग कहता है हाँ चल निकल निकल जल्दी से बात कर क्या, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है करके। इसी के बाद ये जो पर्सन होता है वो भगते हुए जाता है, मतलब अपनी कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू कनेक्ट करता है। डेफिनेटली वर्चुअल यूनिवर्स नहीं होता, इनका भी अपना खुद का कुछ होता होगा, तो उसके थ्रू कनेक्ट करता है और अपने डिवाइन आई क्लैन के जो भी एंसेस्टर थे उनसे बात करता है। और इंस्टेंट एम्परर से पहुँचता है कि जो लू फेंग है वो इतने सारे सुप्रीम टू ट्रेजर की बात कर रहा है, वही एंसेस्टर जो थे इंस्टेंट एम्परर होली लैंड के इवन टॉट वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुके थे जब इतनी बड़ी प्राइज निकलती है। लेकिन फिर उसके बाद एक लंबी सांस लेता है और कुछ टाइम सोचने के बाद वो कहता है कि हम टोटली उन्हें 10 सुप्रीम टू ट्रेजर दे सकते हैं, लेकिन हमें इस तरीके से उन्हें यस नहीं कहना चाहिए। तभी ये जो पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, वो कहता है एंसेस्टर आप सच्ची में उसको 10 सुप्रीम टू ट्रेजर दोगे? एंसेस्टर कहता है कि जो सुप्रीम टू ट्रेजर है वो उस नॉलेज के सामने कुछ भी नहीं है करके, ऐसे और हज़ारों हम सुप्रीम टू ट्रेजर ला सकते हैं अगर हमें वो नॉलेज मिल जाए तो। लेकिन वो अभी भी शौक था, उसको पता नहीं था कि एक्चुअल में वो चीज़ क्या है। गाइस फाइनली अगर इनको अगर वो नॉलेज मिल सकता था तो ये आराम से सुप्रीम मास्टर के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकते थे, और अगर एक बार ये लोग ब्रेक थ्रू कर ले तो ये डूम्सडे को भी स्किप कर सकते थे। और इस वक्त फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही था कि डूम्सडे को स्किप करना, बाकी ट्रेजर वेजर तो ये बस बोलने की चीज़ें थी, एट द एंड जान सबसे ज़्यादा मैटर रखती है। नॉट ट्रू मास्टर आके लू फेंग से कहते हैं कि हम उनके जो एंसेस्टर है वो एग्री हो चुके हैं 10 सुप्रीम टू ट्रेजर देने के लिए, लेकिन उनकी एक शर्त है, वो सबसे पहले वो तो जो तुम्हारे मेमोरी इनहेरिटेंस है उनके अंदर अपनी गोल्डी पावर्स को डाल डाल के चेक करेंगे कि उन्हें कौन सा मेमोरी इनहेरिटेंस चाहिए, और फिर उसके बदले में इन सारे ट्रेजर्स को एक्सचेंज करेंगे। इनफैक्ट उनको भी तो पता चलना चाहिए कि जिस मेमोरी इनहेरिटेंस है वो चीज़ एक्सचेंज कर रहा है वो उनके ट्रेजर के मतलब कीमत के लायक है भी या नहीं है, या फिर तुम हमें कोई बकवास चीज़ पकड़वा दोगे और फिर कहोगे कि मैं हमारे सुप्रीम रूलर लेके हमें बुद्धू बना की कोशिश करोगे। वही लू फेंग कहता है कि तुम हमें मुझे सच्ची में इतना तो बुद्धू समझते हो, अगर एक बार मैंने तुम्हें वो मेमोरी इनहेरिटेंस के अंदर अपनी इम्प्रिंट डालने का मौका दिया और जस्ट तुम उसका एक झलक ही काफ़ी है तुम्हारे एंसेस्टर के लिए, एक सिंगल झलक के अंदर वो पूरा का पूरा जो नॉलेज है वो उनके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा और उसके बाद वो मेरे को देंगे नहीं देंगे वो सब क्या होगा। तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हमारा क्लाइंट इतना बड़ा है वो तुम्हारे साथ धोखेबाजी कर सकता है? लू फेंग कहता है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता करके, अगर देना है तो तुम दे सकते हो, नहीं देना तो नहीं दे सकते। एट द एंड इन लोगों का एक लास्ट जवाब निकलता है, लू फेंग एक सोल्यूशन निकालता है, वो कहता है कि चलो एक काम करते हैं, जो हम लोग काफ़ी सारी अलग अलग डील्स करेंगे, वही जो पहली डील होगी पहली डील के अंदर तुम्हें कुल मिला के मात्र 3 सुप्रीम टू ट्रेजर देना है। तभी वो कहता है कि 3 बहुत ज़्यादा होगा, एट द एंड इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा बहस चलती है और 2 सुप्रीम टू ट्रेजर के अंदर मान जाते हैं। 2 सुप्रीम टू ट्रेजर के अंदर जो लू फेंग है वो सबसे पहला मेमोरी स्टोन देगा इन लोगों को, और इस मेमोरी स्टोन को अगर वो सेटिस्फाई हो गया और ये जो डील होगी ये हो गई, मतलब ये एक तरह पर टेस्टिंग डील है कि लू फेंग अपनी तरफ से एक मेमोरी स्टोन देगा, ये 2 सुप्रीम टू ट्रेजर लू फेंग को देंगे, इसके बाद ये डील यहीं पर ख़त्म हो जाएगी, और अगर इनको लू फेंग का मेमोरी स्टोन पसंद आया तो ये वापस से सेकंड डील करेंगे, और सेकंड डील के अंदर इन्हें कुल मिला के 4 सुप्रीम टू ट्रेजर लू फेंग देने पड़ेंगे, और इसी तरीके से थर्ड डील और फिर फोर्थ डील, ऐसी कुल मिला के 10 सुप्रीम टू ट्रेजर्स की डील होगी। वही ये जो पर्सन होता है वो ऐसे बोलता है कि ये 2 सुप्रीम टू ट्रेजर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा कीमती होता है। वही लू फेंग कहता है अच्छा तो जो मेरा मेमोरी स्टोन है वो बकवास चीज़ है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है करके। फाइनली इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और बहस के बाद ये लोग जो होते हैं वो मान जाते हैं लू फेंग की इस ट्रायल डील के लिए कि ये लोग 2 सुप्रीम टू ट्रेजर लू फेंग को देंगे और लू फेंग एक मेमोरी इनहेरिटेंस इनको देगा। लू फेंग इस डील को करने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको पता था ये जो 2 सुप्रीम टू ट्रेजर ये उनके जो ह्यूमन रेस है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है। ऑलरेडी ह्यूज एक्स क्रिएटर अपने एक ही सुप्रीम टू ट्रेजर मतलब उसके गोल्डी एक्स के साथ एक इनविंसिबल वॉरियर बन चुका है, और अगर उसके पास कोई दूसरा सुप्रीम टू ट्रेजर आ जाएगा जिसके कारण उसकी जो डिफेंस पावर है वो भी बढ़ जाएगी तो पूरे के पूरे यूनिवर्सेशन को डोमिनेट कर पाएगा, और इसके अलावा वो जो दूसरा सुप्रीम टू ट्रेजर वो उसके अपने टीचर को दे देगा मतलब प्राइमल चार सिटी लीडर को, और जब इन दोनों के पास सुप्रीम टू ट्रेजर होंगे तो डेफिनेटली जो ह्यूमैनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। वही नॉन टेरिटरी अलायंस वहाँ से चली जाती है, उसी के बाद बाकी के जो क्लाइंट होता है वो थोड़ा टाइम तक लू फेंग का पीछे करता है, लेकिन लू फेंग के बोट के सामने वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब ये लोग कुछ भी नहीं उखाड़ पाते लू फेंग के बोट ऑफ मेसुलियम के सामने, तो एट ये लोग भी हार मान के चले जाते हैं। वही जो है क्रिएटर जोर जोर से हंस रहा होता है और देखता है कि लिटरली उनको लू फेंग की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही थी इतने टाइम से कि वो डेंजर रीजन से आउटसाइड वर्ल्ड से प्राइमल रीजन के अंदर कैसे आएगा, लेकिन फाइनली लू फेंग के जो बोट ऑफ मेसिलियम है इसकी पावर को देखने के बाद वो पूरी तरीके से
बेचिंतित हो चुके थे, मतलब उनको समझ आ चुका था कि लूफेंग को ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। वही लूफेंग की एक वर्चुअल कॉन्सेप्शन जो होती है वो वर्चुअल यूनिवर्स के थ्रू ह्यूजेक्स और प्राइमल चाओ सिटी लीडर से कॉन्टैक्ट करती है। प्राइमल चाओ सिटी लीडर लूफेंग की तरफ देखता है और बोलता है क्यों क्या हुआ तुम्हें। लूफेंग काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हैं उनकी तरफ देखता और कहता है कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है तुम दोनों के लिए। लूफेंग प्राइमल चाओ सिटी लीडर और ह्यूजेक्स को अपने डील के बारे में बताता है और 10 सुप्रीम ट्रूटर्स के बारे में बताता है। प्राइमल चाओ सिटी लीडर और ह्यूजेक्स दोनों के दोनों पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अपने सपने के अंदर भी 10 सुप्रीम ट्रूटर्स के बारे में नहीं सुना था। प्राइमल चाओ सिटी लीडर इन सब चीज़ों के लिए लूफेंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम सच्ची में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हो। लूफेंग कहता है मैं इंप्रेसिव नहीं हूँ लेकिन ये जो इनहेरिटेंस है पल्स ऑफ डोंगडोंग हुआ ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है करके। वही जो लूफेंग होता है वो लूफेंग इन लोगों को वो ट्रायल डील के बारे में भी बताता है जिसके अंदर स्टार्टिंग में उसे बस दो ही सुप्रीम टू ट्रेजर्स मिलेंगे लेकिन दो सुप्रीम टू ट्रेजर्स भी गाइस बहुत ज़्यादा थे ह्यूमैनिटी के लिए फिलहाल की कंडीशन को देखते हुए। वही जो ह्यूजेक्स होता है वो लूफेंग से कहता है कि इस बार तुम्हारे जो कंट्रीब्यूशन है इसके लिए पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी तुम्हारे पीछे काफ़ी बड़ा एहसान वो करेगी और साथ ही साथ मैं खुद तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा फेवर वो करता हूँ। वही ह्यूजेक्स लूफेंग से कहता है एक ट्रेजर तुम रख लेना एक ट्रेजर मैं रख लूँगा इसी के साथ हम पूरी तरीके से इनविंसिबल हो जाएंगे। वही लूफेंग कहता है कि मुझे किसी ट्रेजर की ज़रूरत नहीं है फिर उसे किसी सुप्रीम ट्रेजर की ज़रूरत नहीं है। ह्यूजेक्स और प्राइमल चाओ सिटी लीडर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो लूफेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम हमेशा इस तरीके से अपने रिस्क को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते फ्री में, हर बार तुम अपना कोई भी रिवॉर्ड नहीं ले रहे कंट्रीब्यूशन के लिए। और ऑफकोर्स भले ही तुम्हारे पास डोंगडोंग रिवर का इनहेरिटेंस हो लेकिन तुम्हारे पास सुप्रीम टू ट्रेजर होगा तो तुम्हारी जो पावर है वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी, तुम और ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रांग हो सकते हो। वही लूफेंग उन लोगों को कहता है कि नहीं ये जो सुप्रीम टू ट्रेजर है ये प्राइमल चाओ सिटी लीडर के पास रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ डोंगडोंग हुआ है क्या उन्होंने अपने हायर के लिए या फिर अपने कैंडिडेट के लिए कोई ट्रेजर नहीं रखा होगा? लूफेंग उनको इनडायरेक्ट वे के अंदर बताता है कि डेफिनेटली उसके पास भी कोई ना कोई ट्रेजर है। वो ये तो नहीं बताता कि उसके पास कौन सा ट्रेजर है लेकिन प्राइमल चाओ सिटी लीडर और ह्यूजेक समझ चुके थे कि डेफिनेटली लूफेंग के पास भी कोई पावरफुल ट्रेजर है जो कि सुप्रीम टू ट्रेजर के बराबर ही का है या फिर सुप्रीम टू ट्रेजर से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर देखा जाए तो लूफेंग के पास ऑलरेडी 3 सुप्रीम टू ट्रेजर्स थे जिसके अंदर उसके विंग्स आते थे और उसका ब्लेड आता था और उसका स्टार टावर आता था। और देख रही बात बूट ऑफ मेसिलियम की तो वो अपने आप के अंदर ही एक सुप्रीम टू ट्रेजर के बराबर में था। वही इसी के बाद ये लोग एक डेट डिसाइड करते हैं इस बाकी के मीटिंग के लिए और बाकी के फर्दर डिस्कशन के लिए। इसके बाद जो लूफेंग होता है वो ऐसे गायब हो जाता है और उन लोगों को वापस ही यूनिवर्स बोर्ड के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। लूफेंग को यूनिवर्स बोर्ड से निकलने के लिए लगभग 1000 सालों का टाइम लगने वाला था। टाइम के अंदर जो लूफेंग होता है वो अपने एक्सटर्मिनेशन डोंग हुआ को प्रैक्टिस करता है जो कि ऑलरेडी टाइम वेलोसिटी के अंदर 10,000 टाइम ज़्यादा टाइम वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। तरीके से टाइम बीतता रहता है और फाइनली 1000 साल इसी तरीके से बीत जाते हैं। लूफेंग का जो क्रिमसन पोगंडा था मतलब जो उसका स्टार टावर था वो यूनिवर्स बोर्ड के बाहर हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता था। लूफेंग कहता है फाइनली मैं यूनिवर्स बोर्ड के बाहर आ गया, मैंने सोचा नहीं था ये मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान होगा लेकिन स्टिल मुझे काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग गया। जो लूफेंग था उसने अपना आधे से ज़्यादा सफर स्टार टावर के अंदर किया था क्योंकि जो बूस्ट ऑफ मसोमलियम था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ह्यूज था। भले उसका साइज भी छोटा हो सकता था लेकिन स्टिल वो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग चीज़ थी, कोई भी इंसान उस चीज़ को देखते ही उसको पहचान सकता था। और लगी बात लूफेंग के स्टार टावर की तो लूफेंग उसे अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता था, मतलब उसके कलर और बाकी सब कुछ भी चेंज कर सकता था। वही जो लूफेंग था उसने अपना जो कल्टीवेशन था उसे भी फिलहाल के लिए रोक दिया था क्योंकि वो इसी तरीके से अगर अपने लॉस को कल्टीवेट करता रहा और कॉम्प्रहेंड करता रहा तो उसे डर था कि वो एक्सीडेंटली अपना ब्रेक थ्रू ना कर ले यूनिवर्स मार्शल के ऊपर। और अगर ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी क्योंकि लूफेंग वो पियर ऑफ विंग नहीं रह पाएगा क्योंकि उस पियर ऑफ विंग्स को लेने के लिए लूफेंग को नाइट लेवल का होते हुए एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की विल पावर की ज़रूरत थी। और अगर वो यूनिवर्स मास्टर बन जाता है तो उसे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि टोटली इम्पॉसिबल था। वही लूफेंग डिसाइड कर लेता है कि उसे प्राइमल यूनिवर्स के अंदर या फिर ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर लौटने से पहले टिल्टेड पीक सेक्टर जाके अपने विंग्स को क्लेम कर लेना चाहिए। फाइनली हम लोग लूफेंग टिल्टेड पीक सेक्टर के अंदर देखने के लिए मिलता है। वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के अंदर था और अपने स्टार टावर के अंदर बैठते हुए काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइट की स्पीड से कम काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फाइनली वो उन 9 मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करता है जो कि पानी के अंदर थी और उन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके वो उसी स्पेस के अंदर पहुंचता है विंग स्पेस के अंदर जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स होता है जिसके कारण स्टार्टिंग में इवन व्हाट लूफेंग का जो स्टार टावर था उसकी भी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन लूफेंग को भी अच्छी से पता था कि उसको इन सब चीज़ों से कैसे सर्वाइव करना है, इसलिए वो अपने स्टार टावर को एकदम छोटा सा पार्टिकल के साइज़ का कर लेता है और लाइट की स्पीड से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। कुछ महीनों के अंदर फाइनली जो लूफेंग होता है वो उन विंग्स तक पहुंच जाता है। इवन व्हाट विंग्स तक पहुंचे लूफेंग के ऊपर काफी सारे माइंड अटैक और काफी कुछ होता है जैसे पहले लूफेंग के साथ हुआ था, लेकिन इस बार जो लूफेंग की विल थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी।
वही वो जो विंड ट्रेजर होता है वो पिछले बार की तरह इस बार वापस से एक नए इंसान को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी वो जो विंड ट्रेजर होता है वो लो फेंग से कहता है कि मैं एक विंड ट्रेजर हूँ करके, और मैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशल ट्रेजर हूँ। वही वो जो स्पेस बीस्ट होता है वो थोड़ा सा ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो, मतलब गोल्डन हॉर्न बीस्ट। वो कहता है कि तुम कौन हो करके, वो कहती है कि मैं स्पिरिट हूँ इस विंग टू ट्रेजर्स की एशियंट वॉइस के अंदर। तभी लो फेंग ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, और कुछ इसी तरीके से लो फेंग उसको बेवकूफ़ बनाता है, क्योंकि लो फेंग को पता था अगर लो फेंग अपनी पुरानी वाली आइडेंटिटी के अंदर जाता, मतलब लो फेंग बन के जाता, तो डेफिनेटली ये जो विंग्स है ये काफ़ी ज़्यादा नखरे करती। लेकिन लो फेंग अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के अंदर गया था तो डेफिनेटली इसको पता नहीं था कि ये लो फेंग गया, और लो फेंग को पता था कि अगर लो फेंग मतलब ये जो विंग्स है वो इस वक्त शिवू विंग से इतनी ज़्यादा नफरत करती है कि जो भी दूसरा कैपेबल कैंडिडेट आएगा जो कि इसको अपना मास्टर रिकॉग्नाइज करवा सकता है, ये डेफिनेटली उसका मास्टर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा लेगी, क्योंकि उसको पता था कि लो फेंग जल्दी उसको लेने के लिए आने वाला है। और लो फेंग और इसके बीच में ऑलरेडी एक झगड़ा हो चुका है, तो ये ज़्यादा इस बार नखरे नहीं करने वाली। तो इसलिए लो फेंग ने प्लान बनाया था कि वो अपनी दूसरी आइडेंटिटी हाइड करके इस स्पिरिट से धोखेबाजी से इसको अपना ओनर रिकॉग्नाइज करवा लेगा, कि एक बार ये जो स्पिरिट है ये एक बार लू फेंग को अपना ओनर रिकॉग्नाइज कर ले, इसके बाद ये घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, और इसकी मौत तो पक्की है क्योंकि शिव वेंग्स की मदद लू फेंग करने वाला था, और कुल मिला के इन दोनों में से एक ही स्पिरिट जिंदा बचने वाली थी। इस बार भी वही सेम सीन होता है, वो जो वाइट विंग्स होती है वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को हर एक चीज़ समझाती है धीरे धीरे करके, और बताती है कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल है करके, और वो अगर उसके पा लेगा और उसको अपना ओनर रिकॉग्नाइज करवा लेगा तो वो डेफिनेटली और कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कहती है कि कुछ शर्त है करके, इस बार वो अपनी जो शर्त है वो गलत नहीं बताती, वो सच बताती है। वो बताती है कि अगर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उसको अपना ओनर रिकॉग्नाइज करवाना है तो उसे डेफिनेटली जो उसकी जो सोल है वो अगर नाइट लेवल के ऊपर है तो उसकी जो सोल है वो लगभग लगभग मतलब विल पावर यूनिवर्स मास्टर या फिर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर जितनी पावरफुल होनी चाहिए, और अगर वो यूनिवर्स मास्टर है तो उसकी जो सोल है वो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से भी ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए करके। वही लू फेंग कहता अच्छा इस बार लाइन पे आ रही है, सब सही से बता रही है। वही लू फेंग और ज़्यादा खुश होने की एक्टिंग करता है, और गोल्डन हॉर्न भी जोर जोर से धाड़ने लग जाता है कुत्ते की तरह, और फिर उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम सच कर रही हो, सच कर रही हो, मैं भी एक नाइट लेवल का वॉरियर हूँ, और जो मेरी विल पावर है वो ऑलरेडी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की लेवल की है, तो इसका मतलब मैं तुम्हें अपने साथ ये लेके जा सकता हूँ, फाइनली मुझे एक सुप्रीम टू ट्रेजर मिल गया। इसी के साथ लो फेंग थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाता है, फाइनली वो जो विंग्स होती है उसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट के ऊपर भरोसा हो जाता है। इसी के बाद जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट होता है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आसानी से इन विंग्स को अपना ओनर रिकॉग्नाइज करा लेता है। अपना ओनर रिकॉग्नाइज करने के बाद वो जो स्पिरिट होती है वो लो फेंग से कहती है कि मास्टर ये जो विंग्स है ये डैमेज है करके, और मुझे कुछ प्रीशियस मटेरियल चाहिए अपने आप को रिकवर करने के लिए, मुझे कुछ पैनिकल टाइप के टू ट्रेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जैसे ही लो फेंग ने उन विंग्स को अपना ओनर रिकॉग्नाइज करवा लिया था, यहाँ पे जितना भी विंड स्पेस वगैरह जो कुछ भी भवंडर वंडर चल रहा था, ब्लेड स्टॉर्म चल रहा था, वो सब पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका था। इवन थॉट अभी लो फेंग यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का भी यूज़ कर सकता था। लो फेंग सबसे पहले अपने आप को टेलीपोर्ट कराता है इस जगह से, और इस जगह से टेलीपोर्ट कराते हुए वो अपनी ब्लडी टावर के अंदर आ जाता है, मतलब स्टार टावर के अंदर, और स्टार टावर से वो फाइनली यूनिवर्स स्टेशन के अंदर आ जाता है। इसी के साथ जाते जाते वो जो स्पिरिट होती है वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफ़ी सारा ज्ञान पेलती है, और कहती है कि एक बंदा आया था जिसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, उसने मेरे काफ़ी सारे लाइफ एसेंस को चूस लिया और मेरे काफ़ी सारे पार्ट्स है करके, कुल मिला के मेरे 6 पार्ट्स है, और वो जो ह्यूमन है मास्टर आपको उस ह्यूमन को मारना पड़ेगा, उस ह्यूमन के पास 2 विंग्स के पार्ट्स है, और अगर आप वो पार्ट ले लेते हो तो मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाऊँगी करके। इसी के साथ जब लू फेंग जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी होती है वो यूनिवर्सन के अंदर चल रही होती है, तब अचानक से वो जो विंग्स होती है वो लू फेंग के कहती है कि मास्टर मास्टर मुझे कुछ फील हो रहा है। फिलहाल जो लू फेंग था उसने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और जो लू फेंग की खुद की ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी थी उसको अलग अलग करके रखा था, और ये अभी लू फेंग का ट्रैप था। इस विंग को पता ही नहीं था कि ये लू फेंग को अपना ओनर रिकॉग्नाइज करवा चुकी है। वही वो जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट होती है वो एक्टिंग करती है लू फेंग को ढूंढने का, और फाइनली लू फेंग उसको देखने के लिए मिल जाता है। लू फेंग के बैक के ऊपर शिव विंग्स देखने के लिए मिल सकते थे, वही गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बैक के ऊपर ये ओरिजिन विंग्स देखने के लिए मिल सकते थे। जब फाइनली गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी और लो फेंग की जो ओरिजिनल अर्थलिंग बॉडी होती है वो आमने सामने आ जाती है, दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्माइल करते हैं। वही लो फेंग उस स्पिरिट ऑफ विंग्स की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम फाइनली यहाँ पे। वही वो जो स्पिरिट ऑफ विंग होती है उसे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, उसे ऐसा फील होता है कि उसका मास्टर उससे बात कर रहा है, उसे ये जो कमांड है ये काफ़ी ज़्यादा सेम लगती है।
कुछ ही टाइम के अंदर वो जो स्पिरिट होती है वो समझ जाती है, वो समझ जाती है उसके साथ धोखा हुआ है, जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट और ये जो इंसान है ये दोनों एक ही है करके, इन दोनों की सोल एक ही है करके, वही जो लू फेंग होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वो जो स्पिरिट होती है वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, अपने बॉडी से काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ करने लग जाती है। लेकिन डेफिनेटली अब वो ऑलरेडी लू फेंग को अपना ओनर रिकॉग्नाइज करवा चुकी थी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लू फेंग उस स्पिरिट की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है, अभी फाइनली तुम मरने वाले हो करके। अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो पेयर ऑफ वाइट विंग्स थे और लू फेंग की जो सिल्वर विंग्स थी वो आसमान के अंदर फ्लोट करने लग जाती है और उसके साथ इंटीग्रेट करने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि दो कंपोनेंट और ये जो ओरिजिन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी सारे सिल्वर लाइट एक दूसरे के साथ ये होती है। फाइनली ये जो दोनों के दोनों चीज़ें होती है वो पूरी तरीके से मर्ज हो जाती है। जब ये दोनों मर्ज हो जाती है और इंटीग्रेट हो जाती है, इनके अंदर से जो पावरफुल फोर्स निकलता है वो सच्ची में इतना पावरफुल था कि इवन लू फेंग भी अपना सांस धरे के धरे रह जाता है। वो सोचता है ये जो मशीन टाइप वैल्यूएबल है ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते किसी भी सुप्रीम टू ट्रेजर से। इन दोनों के मर्ज होने के बाद जो लू फेंग की जो दो विंग्स थी, भले अभी भी दो ही विंग्स थी लेकिन कुल मिला के उसकी जो दो विंग्स थी उनकी दो विंग्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस आ चुकी थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो एक ब्लेड बन चुके हैं। लू फेंग को पता था कि शिव विंग्स के ऑलरेडी 6 पार्ट है, ये जो 6 पार्ट है ये मर्ज होने के बाद कैसे दिखेंगे वो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि कुल मिला के ये 5 पेयर्स है। तो ये जो 5 पेयर्स है वो लू फेंग के पीठ के ऊपर लटकते रहेंगे और पंखुड़ी बन के पुड़ 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 करके उड़ते रहेंगे। और रही बात उस ओरिजिन की जो कि अभी अभी लू फेंग को मिला है, तो वो ओरिजिन गाइस सच्ची बोलूँ तो जब वो सारी विंग्स एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो वो ओरिजिन दिखने नहीं वाला, मतलब ये जो ओरिजिन वाले विंग्स है ये बस एक ही काम करती है, ये इंजन है, ये पावर प्रोवाइड करने का काम करती है। और जो वाइट विंग्स है ये उसने फिलहाल लू फेंग की जो 4 टाइप के विंग्स थे उनके अंदर की जो उनकी शार्पनेस और उनके जो एजेस थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिए थे। उस टाइम के अंदर जो 6 पंखुड़ियाँ होती है वो लू फेंग के बैक से जाके मर्ज हो जाती है। जब लू फेंग इसके अंदर अपनी गोल्डी पावर्स को डालता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि इसके थ्रू वो आराम से आसपास के स्पेस को कंट्रोल भी कर पा रहा था और चीर फाड़ भी कर पा रहा था। लू फेंग सोचता है कि जब इसके साथ ये ओरिजिन नहीं था तभी ये किसी भी सुप्रीम टू ट्रेजर को राइवल कर रही थी, मतलब उसके करीब जा रही थी, और अभी अगर वो ये जो शिव विंग्स है इसके साथ अगर वो अपनी टेक्निक को मर्ज कर देता है निर्वाणा रेजिस्टेंस तो इसकी जो पावर है वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और इसकी जो अटैकिंग पावर है वो भी लू फेंग के ब्लड शैडो ब्लेड से कुछ कम नहीं होने वाली। लू फेंग कहता है कि वो इस वक्त इसके ओरिजिन का इस्तेमाल नहीं करेगा अपने शिव विंग्स को पावर प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि डेफिनेटली ये कंप्लीट नहीं है करके, और ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है और ना ही लू फेंग के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि लू फेंग इस शिव विंग्स को अपने फुल पोटेंशियल के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, बस सीन चेंज होता है और लू फेंग जो होता है वो ओरिजिनल यूनिवर्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलने लग जाता है। वही शिव विंग्स रास्ते में लू फेंग को काफ़ी कुछ बताती है अपने बारी के अंदर, लू फेंग काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है। लू फेंग को पता चलता है कि उसकी ये जो वाइट विंग्स है इनको पूरी तरीके से रिपेयर करने के लिए जो भी उसको मटेरियल लगने वाला है वो सच्ची में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल लगने वाला है। और इनफैक्ट लू फेंग के पास काफ़ी सारे मटेरियल अभी भी पड़े हुए थे क्योंकि गाइस अभी जब लू फेंग बोट ऑफ मिसलियम के अंदर गया था और वहाँ पे जितने भी लोग मर गए थे वो सारे जो लोग थे उन सारे लोगों के ट्रेजर्स वहीं पे पड़े हुए थे और डेफिनेटली वहाँ पे जितने भी सुप्रीम ट्रू ट्रेजर्स थे वो तो ऑलरेडी थंडर कोर्ट को मिल गए थे क्योंकि थंडर कोर्ट वहाँ पे सारे ट्रेजर लेके चले जाता है। लेकिन उसके अलावा वहाँ पे जितने भी बाकी ऑर्डिनरी ट्रेजर्स थे वो सब लू फेंग को मिले थे क्योंकि बाकी लोग वहाँ से ले तो सकते थे लेकिन बाकी लोग ऑलरेडी इतना डर चुके थे बोट ऑफ मुस्लिम के अंदर कि जब उन लोगों को भागने का मौका मिला तो उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं सोची और वो धूम धबा के भाग गए इन सारी चीज़ों को छोड़ के। तो वहाँ पे लू फेंग को काफ़ी सारे ट्रेजर्स मिले थे काफ़ी ज़्यादा यूज नंबर के अंदर, इसलिए सारे जो ट्रेजर्स थे ये भी इनफ नहीं थे अगर वो अपने विंग्स को रिपेयर करना चाहता था। तो विंग्स सोचता है क्योंकि उसको मटेरियल की ज़रूरत है तो उसे जियो फेंजी के इनहेरिटेंस की तरफ जाना चाहिए करके। इसी के साथ वो अपना माइंड बना लेता है कि वो जियो फेंजी के इनहेरिटेंस के पास जाएगा, इसलिए वो अपनी जो गोल्डन ऑन बीज बॉडी होती है उसको बाहर निकाल देता है, अपने विंग को सेपरेट करता है, वो जो ओरिजिन वाइट वाला पार्ट होता है वो गोल्डन ऑन बीस्ट के बैक के ऊपर टांग देता है और साथ ही साथ उसको स्टार टावर भी दे देता है। वही लू फेंग के पीठ के ऊपर उसकी शिव विंग्स थी और लू फेंग के पास बोट ऑफ मिसलियम भी था। लू फेंग अपने बोट ऑफ मिसलियम और शिव विंग्स के साथ आगे की तरफ ओरिजिन ओशन की तरफ निकल जाता है और वही लू जो सेकेंड पार्ट होता है लू फेंग का, मतलब जो गोल्डन ऑन बीस्ट होता है वो जियो फेंजी के इनहेरिटेंस को लेने के लिए चला जाता है। वही हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था जब लू फेंग ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर है तो काफ़ी सारे जो सीनियर ह्यूमंस होते हैं जो कि ह्यूमैनिटी के लीडर्स थे और साथ ही साथ यूजैक्स, वो सब यूजैक्स गोल्डी पैलेस के अंदर लू फेंग के स्वागत की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे कुल मिला के 19 यूनिवर्स मास्टर हम लोगों को देखने के
लिए मिल सकते थे। लुओ फेंग फाइनली सक्सेसफुली वापस से ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर पहुंचने वाला था। पेंगोंग मास्टर्स सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि जो टू होली लैंड्स है वो डेफिनेटली लुओ फेंग को इतनी आसानी से यहाँ पे आने नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी की थी लेकिन लुओ फेंग आराम से उनके साथ फाइट करते हुए यहाँ तक आ चुका था। और लुओ फेंग के पास अभी इनहेरिटेंस था जो कि फाइनली काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला था पूरी पूरी ह्यूमैनिटी को, और ये एक पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक वास्ट रन हो सकता था। तो हम लोगों को लुओ फेंग देखने के लिए मिलता एक बड़े से टेबल के ऊपर, यहाँ पे ह्यूज एक्स और काफ़ी सारे कम से कम 19 यूनिवर्स मास्टर जो थे वो बैठे हुए थे। ये सब लोग दारू पी रहे थे साथ में बैठ के हुए और कहते हैं कि ये फाइनली इसी के साथ हम लोग पूरी के पूरे यूनिवर्सेशन के अंदर कब्जा करेंगे, हम अपने ह्यूमैनिटी को यूनिवर्सेशन के अंदर भी एक पैनिकल रेस बनाएंगे, ये वक्त आ चुका है हमें अपनी पावर्स बढ़ाने का। इसी के साथ साथ ये बड़े बड़े नारे लगाने लग जाते हैं और इन सब नारों का जो सबसे बड़ा भागीदार था वो था लुओ फेंग। यूनिवर्सेशन के अंदर राइज करने के लिए फाइनली जो लुओ फेंग होता है वो एक प्लान बनाता है। ह्यूज एक्स क्रिएटर प्राइमल चॉइस एडिटर सब लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ लुओ फेंग की तरफ देख रहे थे। मिल्की वे हॉट एडिटर कहता है कि हम लोग एक दूसरा यूनिवर्स क्रिएट करेंगे ताकि बाकी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता चले, जिसके अंदर काफ़ी सारे अनडाइंग फाइटर्स को, यूनिवर्स नाइट को और यूनिवर्स मास्टर को ब्रीड करेंगे मेरे नॉलेज के थ्रू, और मेरे नॉलेज के थ्रू उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा ब्रेक थ्रू करने के लिए। मिला के आप ऐसा समझ सकते हो कि जो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड वन है ह्यूमैनिटीज़ के अंदर उनको थोड़ा सा अलग रखा जाएगा, अलग रख के उनको काफ़ी ज़्यादा टैलेंट प्रोवाइड किया जाएगा, काफ़ी सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे और रिसोर्सेज के साथ साथ लुओ फेंग का ज्ञान भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके कारण ये जल्दी से जल्दी अपना ब्रेक थ्रू करके यूनिवर्स मास्टर बनेंगे। और एक बार अगर यूनिवर्स मास्टर बने तो यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी बनना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसी के साथ ह्यूमैनिटी जो होगी उसके पास कुछ एरास के बाद काफ़ी सारे यूनिवर्स मास्टर और काफ़ी सारे यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर या फिर कुछ डजन ऑफ यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर भी हो सकते थे। और अगर लुओ फेंग ने सच्ची में इतना कुछ कर लिया तो वो डेफिनेटली यूनिवर्सेशन के अंदर अपने आप को जो ह्यूमन रेस है उसको डोमिनेटिंग रेस बना सकते थे। लुओ फेंग कहता है कि मेरे से जितना हो पाएगा मैं सब करूँगा, हम वो हर एक कोशिश करेंगे जिसके थ्रू हम अपने ह्यूमन रेस को ट्रूली यूनिवर्सेशन के अंदर डोमिनेट कर सकते हैं, हम अपनी ह्यूमन रेस को टॉप पावर बनाएंगे, टॉप सुपर पावर बनाएंगे यूनिवर्सेशन के अंदर। इसी के साथ वो एडेंट चेस वगैरह करते हैं और हिप्पी पूरे करके दबा के दारू पीते और सेलिब्रेशन करते हैं। जब इन लोगों का डिस्कशन खत्म हो जाता है यहाँ पे सब लोग बारी बारी से चले जाते हैं, बस यहाँ पे तीन लोग रह जाते हैं, ह्यूज एक्स क्रिएटर प्राइमल चॉइस सिटी लीडर और लुओ फेंग। ह्यूज एक्स क्रिएटर लुओ फेंग से कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें एक और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही लुओ फेंग कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ रेस के लिए। उसी के साथ वो लुओ फेंग को कहता है कि देखो हमारे कुल मिला के दो प्लान्स है, एक तो हम एक सेपरेट यूनिवर्स क्रिएट करेंगे, एक सेपरेट नेचर यूनिवर्स जिसके अंदर हम काफ़ी सारे सीड्स को प्लांट करेंगे और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। जो हमारा सेकंड प्लांट है, सेकंड पार्ट के अंदर हमारा जो सुप्रीम टू ट्रेजर है वो इन्वॉल्व है। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब तुमने ये सारी डील नहीं की थी इस टाइम पर होली लैंड के साथ, तभी मैंने अपना ये जो मेन फ्रेमवर्क था व्यूरेज सिस्टम कल्टिवेशन का जो भी प्राइमल चॉइस सिटी के अंदर होता है, इन सब चीज़ों के कुछ काम के लिए मैं 10 से 12 दिनों के लिए टिल्टेड पीक सेक्टर की तरफ आगे निकल गया था। तब मुझे तुम्हारी इस डील के बारे में नहीं पता था और ऑलरेडी टिल्टेड पीक सेक्टर की मैं काफ़ी ज़्यादा कोर एरिया के अंदर हूँ और जो कोर एरिया है ये सच्ची में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है करके, ये एक्सट्रीमली डेंजरस है। फिलहाल तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बार मैं वहाँ से निकल जाऊँ उसके बाद मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूँगा, और बाकी उसके तब तक तो तुम्हें और प्राइमरी चॉइस डीलर को इन सारे अरेंजमेंट्स को संभालना पड़ेगा। ये लोग फाइनली सोचते हैं कि ये जो डील है ये फाइनलाइज करने के लिए प्राइमरी चॉइस सिटी लीडर और लुओ फेंग जाने वाला है। वही इन सारे डील के बाद प्राइमल चॉइस सिटी लीडर लुओ फेंग को ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक कल्टीवेशन लैंड बनाया जहाँ पे कुल मिला के 300 से भी ज़्यादा आइस माउंटेन्स है, और ये जो आइस माउंटेन्स है ये कुछ इस तरीके के माउंटेन्स है कि ये काफ़ी ज़्यादा सेफ है, इसके अंदर कोई भी पास नहीं कर सकता, एक तरीके से ये एक सेफ्टी बैरियर की तरह काम करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी वो जो सीड्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। सीड्स का मतलब गाइस जो ह्यूमन रेस के अंदर जो पावरफुल जीनियसेस है उनको कल्टिवेट करने की बात कर रहे हैं। वही सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लुओ फेंग अपने गुल्डी पैलेस के अंदर देखने के लिए मिलता है। लुओ फेंग इस वक्त ओरिजिनल यूनिवर्स के अंदर ही था। फाइनली उसे एक मैसेज आता है, ये जो मैसेज था ये नॉट ट्रू स्टार मास्टर का था। वो उसे कहता है कि जो डील है वो जल्दी साइन इन होने वाली है। वही लुओ फेंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं तैयार हूँ। तभी एक और मैसेज लुओ फेंग को प्राइमल चॉइस सिटी लीडर के थ्रू आता है, और जैसे लुओ फेंग इस मैसेज को खोल के देखता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जो मैसेज था ये एक्सट्रीम एमरजेंसी का मैसेज था और ये पूरी तरीके से रेड कलर के अंदर लिखा गया था। लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, वो सोचता है इस वक्त ऐसी कौन सी एमरजेंसी आ गई करके, लेकिन लुओ फेंग समझ चुका था कि ये जरूर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एमरजेंसी है। तभी लुओ फेंग भागा भागा जाता है प्राइमल चॉइस सिटी लीडर के पास और वो काफ़ी हैवी एक्सप्रेशन के साथ उनसे पूछता है कि क्या हो गया।
प्राइम एंड चौसिटी लीडर लूफेंग की तरफ देखते हैं काफ़ी ज़्यादा निराशा के साथ, और वो कहता है कि तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। लूफेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। प्राइम एंड चौसिटी लीडर ने पहले आज तक उससे कभी साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था, इसका मतलब जरूर कोई बहुत बड़ी एमरजेंसी है, क्योंकि प्राइम एंड चौसिटी लीडर ने अभी तक लूफेंग को नहीं बताया और बाकी सब लोगों को आने का वेट कर रहे, तो इसका मतलब डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बड़ी एमरजेंसी होगी। वही कुछ ही टाइम के अंदर जो 19 यूएस मास्टर होते हैं वो भी गैदर हो जाते हैं, वो सब लोग प्राइम एंड चौसिटी लीडर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इतनी क्या एमरजेंसी है। वही ह्यूज एक्स क्रिएटर की सीट के ऊपर हम लोगों को ह्यूज एक्स क्रिएटर भी देखने के लिए मिल सकता था, जो कि इन सब लोगों को ग्रीट करता है सबसे पहले, और वो कहता है कि इस वक्त हम काफ़ी बड़ी एमरजेंसी के अंदर है करके, मुझे कुछ ट्रबल्स मिले हैं, मैं इस वक्त टिल्टेड पीक सेक्टर के कोर लैंड के अंदर हूँ, और वो जो कोर लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और रही बात मैं उस टिल्टेड पीक कोर सेक्टर के अंदर उस मैप के ज़रिए गया था जो कि युवाओं मास्टर के द्वारा हमको मिला था, और वो जो मैप है वो पूरी तरीके से फेक है करके, ये किसी का प्लान था ऑलरेडी। लूफेंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि ये जो मैप था ये लूफेंग ने लाया था, लूफेंग और आइस माउंटेन मास्टर इन दोनों ने मिलके कुछ पीसेस जो लाए थे मैप के, उन सारे पीसेस के बदले जो ह्यूज एक्स था वो वहाँ पे गया था। लेकिन गाइस मैं सोच रहा हूँ जब लूफेंग ने इन लोगों को पूरा पूरा मैप दे दिया था नया वाला, तो इनको ये छोटे से मैप के पीसेस के ऊपर वहाँ पे जाने की क्या ज़रूरत थी। ह्यूज एक्स कहते हैं कि ये पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा सा ट्रैप था करके, लेकिन एट द एंड वो जो अपोनेंट था उनको मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं था, जिसके वजह से डेफिनेटली उनको भी बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा। लेकिन फाइट के अंदर मैं अनलकीली लैंड ऑफ डार्कनेस के कोर ग्राउंड के अंदर जाके फॉल हो गया, मतलब वहाँ पे गिर गया। वही जब लूफेंग ये सारी चीज़ें सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था, उसकी आंखों के अंदर शॉक और चिंता दोनों के भाव देखने के लिए मिल सकते थे। इन सब लोगों को पता था कि जो लैंड ऑफ डार्कनेस है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग एरिया है। इवन टॉट यूनियर सुप्रीम मार्शल आज तक जो कोई भी वहाँ पे गया है वो आज तक कोई भी लौट के नहीं आ पाया। इसके सामने जो गॉड डिस्ट्रॉइंग वैली है और फ्लेम आइस रीजन है, ये सब बच्चों का खेल है, तो आप समझ नहीं सकते हो लैंड ऑफ डार्कनेस कितना ज़्यादा पावरफुल। आज तक कोई जिंदा लौट के वहां से बाहर नहीं आया, और आया भी होगा तो किसको पता, लेकिन आज तक तो कोई नहीं आया। तभी ह्यूज एक्स कहता है क्योंकि जो जगह ये काफी ज्यादा डेंजरस है, और आज तक यहां से कभी भी कोई भी बाहर बच के नहीं आ पाया, और जो लोग यहां पे अंदर एंटर किए उनकी भी काफी ज्यादा कम नंबर की संख्या है, तो डेफिनेटली मेरा भी यहां से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और इसके अलावा यहां पे जितने भी लोग गिरे डेफिनेटली वो ऑर्डिनरी सुप्रीम मास्टर्स होंगे, और उनके कंपैरिजन के अंदर मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूं और मेरी चांसेस काफी ज्यादा है बाहर निकलने की। लेकिन उसके बाद भी इसकी भी काफी ज्यादा चांसेस कि मैं बाहर ना निकल पाऊँ, तो इसलिए मैं जब तक यहाँ पे ट्रैप्ड हूँ तब तक तुम्हें पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी के अंदर अपनी एक लो प्रोफाइल बना के रखनी पड़ेगी। और डेफिनेटली ये जो न्यूज़ आई है बाहर फैलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती से भी किसी को इस न्यूज़ के बारे में पता चला तो हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो एक ग्रेट डेंजर के अंदर आ सकती है। सब लोग इस चीज़ का मौका के फायदा उठाते हुए हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, याद रखना ये जो न्यूज़ आई है फैलनी नहीं चाहिए। फिलहाल के लिए मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ यहाँ से निकलने के लिए, वो सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है और कहता है कि अभी मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत करना, मुझे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए करके, जब तक कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो तब तक मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ह्यूज एक्स वहाँ से गायब हो जाता है। उसी के बाद ह्यूज एक्स के जाने के बाद वो जो 19 सॉफ्ट बींग सुप्रीम मास्टर्स थे, मतलब यूनिवर्स मास्टर थे, वो सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनके चेहरे के ऊपर साफ साफ चिंता देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि उन सब लोगों को पता था कि लैंड ऑफ डार्कनेस क्या चीज़ है करके। अगर ह्यूज एक्स क्रिएटर वापस कभी नहीं लौट पाए तो वो लोग क्या करेंगे, बिना किसी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को कौन लीड करेगा। ह्यूमन रेस फ्यूचर के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ के अंदर पहुँच सकती है, एक बहुत बड़े डेंजर के अंदर जा सकती है। प्राइमल चार्सिटेटर सब लोग की तरफ देखते और कहता है कि एक टॉप सीक्रेट होना चाहिए, किसी को भी इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। जब प्राइमल चार्सिटी लीडर डार्कनेस मास्टर लूफेंग वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ फील कर रहे थे, तभी अचानक से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो जो होस्ट टेबल था जहाँ पे ह्यूज एक्स की सीट थी, अचानक से ह्यूज एक्स वापस से विजिबल होता है वहाँ पे। वो कहता है काफ़ी ज़्यादा चिंता के साथ कि याद रखना कोई यहाँ पे नहीं आएगा, कोई लैंड ऑफ डार्कनेस के अंदर नहीं आएगा, किसी को भी यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले कि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता वो वापस से गायब हो जाता है। लूफेंग और वो सब लोग सबके सब उठ के खड़े हो जाते हैं, वो सब लोग सोचते हैं अचानक से ऐसा क्या हो गया करके, ह्यूज एक्स एकदम से गायब कैसे हो गया और वो इतना ज़्यादा जल्दीबाजी में क्या था। एकदम से सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लग जाती, उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो ह्यूज एक्स है उसे किसी डेंजर से मीट हुआ है, मतलब वो किसी मुसीबत के अंदर फंस चुका है फाइनली, और वो अपनी बात ख़त्म भी नहीं कर पाया था, उससे पहले वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया। और कुछ ही टाइम के अंदर जो वाइट गोल्ड मास्टर होते उसके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते और उसके बोलने के अंदर हम लोग को एक फियर देखने के लिए मिल सकता था। वो कहता है कि ह्यूज एक्स का मिनिएचर यूनिवर्स गिरना शुरू हो चुका है, ह्यूज एक्स मर चुका है, सब लोग
इतुर्की शॉक हो जाते हैं, वो कहता है क्या यूजेक्स कैसे मर सकता है करके। यहाँ पे जितने भी यूनिवर्स मास्टर थे वो सब लोग एक काफ़ी ज़्यादा बड़े शॉक से गुजर रहे थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था अपने आँखों के ऊपर और कानों के ऊपर, क्योंकि कुछ टाइम पहले वो लोग इतने ज़्यादा खुश थे लुओ फेंग के आने से, इतने सारे इनहेरिटेंस से मिलने से, और एकदम से उनको पता चला कि यूजेक्स है वो एक मुसीबत में फंस गया। इस चीज़ से वो पहले ही परेशान हो गए थे और फाइनली यूजेक्स एकदम से इस तरीके से मर गए, ये चीज़ उन लोगों के डेली डेफिनेटली एक नाइटमेयर जैसा था, एक एंटायर ह्यूमन रेस के लिए नाइटमेयर के लिए था, क्योंकि जो यूजेक्स थे वो एकमात्र यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर थे जो कि पूरी की पूरी ह्यूमन रेस को लीड कर रहे थे, और बिना यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के जो पूरा का पूरा ये जो ह्यूमैनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा और काफ़ी सारे रेसेस एक साथ ह्यूमन रेस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे। ऑलरेडी जो ह्यूमन रेस था वो पैनिकल रेसेस के अंदर आता था और उनके पास काफ़ी सारी वैल्यूएबल लैंड थी जिसके अंदर से एक अर्थ भी समझ सकते, और साथ ही साथ जो लुओ फेंग था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा था जिसके कारण काफ़ी सारे लोगों की नज़र लुओ फेंग के ऊपर थी, और सबसे मेन कारण कि लुओ फेंग को अभी अभी इनहेरिटेंस मिला था और इसके इस इनहेरिटेंस के लिए कोई भी रेस किसी भी हद तक जा सकता था, और डेफिनेटली जब उन लोगों को पता चलेगा कि यूजेक्स ही नहीं रहा ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो डेफिनेटली सबके सब रेस एक साथ लुओ फेंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, आई मीन टू से पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी पे अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और डेफिनेटली एक ब्लडी वॉर होने वाला है। और गाइज अभी आगे की ये जो ब्लडी वॉर की कहानी है वो मैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कवर कर दूंगा। होप करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया, चलो कोई ना, चलो फिर गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके बता देना कि ये कैसा लगा और माफ़ करना कि ये एपिसोड रात को ही डाल देना चाहिए था, और मैंने जैसे कि आपको कल रात को ही बता दिया था कि मैं आधा एपिसोड ऑलरेडी बना चुका था, आधा बच गया था और काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था और मम्मी पापा भी डांट रहे थे क्योंकि आज रिजल्ट है, और वैसे भी गाइज आज रिजल्ट है तो मम्मी पापा के थोड़े गुड टर्म्स के अंदर रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वो बोलते हैं ना LIC पॉलिसी खुलवाना काफ़ी ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल मैं अपनी LIC पॉलिसी खुलवा के बैठा हूँ, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी कुछ भी हो सकता है, तो डेफिनेटली इसलिए मैं रात को जल्दी सो गया था, और पापा वैसे भी डांटते रहते हैं रात को वीडियो बनाने से, इसलिए थोड़ा सा उनकी बात मान के रात को सो गया था। चलो कोई ना गाइज, होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके बाद दूसरा वीडियो मैं देखता हूँ कब बनाना है, फिलहाल तो मैं टेंशन के अंदर हूँ काफ़ी ज़्यादा। आप लोग थोड़ा बहुत प्रे कर लेना भाई का रिजल्ट अच्छा आ जाए, बाकी तो देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।